हेलो एवरी वन आप लाइव ना हो क्या हम लोग लाइव हैं एक बार फटाफट फड़ से बताओ हम लोग लाइव हैं कि नहीं गुड मॉर्निंग एवरी वन आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ही खराब है पहले ऐसा होता था, था कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आए या कॉलेज के एग्ज़ाम आए तो हमेशा एग्जाम से पहले मुझे बीमार होना होता था मतलब पता नहीं कैसे मैं बीमार हो जाती थी अब यही सेम चीज़ हो रही है जब तुम लोगों का एग्ज़ाम आता है तो उससे पहले मैं बीमार हो जाती हूँ आई डोंट नो वाई ठीक है कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले, लेती हूँ ना जब मैं चीज़ों को और प्रिपरेशन को तो हो जाता है मैं बीमार पड़ जाती हूँ अभी मेरे को कफ है थोड़ा सा और बाकी फ़ीवर हो रहा है और स्टमक इन्फेक्शन है तो दो तीन चीज़ें लेके मैं अभी दवाई लेके पेन किलर लेके बैठी हुई हूँ तो स्टार्ट करते आज का सेशन <coughs> आज हम करने वाले ई पी एफ एस के लिए करंट अफेयर्स एंड स्टार्टिक जी के मैराथन तो यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है आपका पूरा कवर्ड है इधर मेनली मैंने इसके अंदर <coughs> मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सारे करंट अफेयर्स यहां पर मैंने डाले हुए हैं आप लोगों के लिए ठीक है तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑलीबुर्ड वा चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली मेरी क्लास होती है दर बारह बजे एंड ऑलीवुड ऐप को डाउनलोड कर लेना लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो आई यू गाइस रेडी एक बार फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स रेडी हैं ठीक है थीके? सेशन के लिए लिख दीजिए यहाँ पर रेडी ठीक है देन स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा आज का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके सो ऑलमोस्ट आई कैन सी यहाँ पर सब लोग रेडी है सभी का ऐसे ही मुझे यहाँ पर कॉमेंट्स चाहिए मेरे लिए यहाँ पर आपके कॉमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है हेलो ऐशा वेलकम टू आर क्लास चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस द सेकंड जी ट्वेंटी सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड एट सिटी फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट टू ट्वेंटी थर्ड मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आंसर क्या होगा यहां पर फटाफट से बताओ देखो मैं दूंगी आप लोगों को पाँच से सात सेकंड का टाइम जिसमें आपको आंसर करना है उसके बाद में मैं आपको आंसर यहां पर रिवील कर दूंगी ठीक है करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम उदयपुर के अंदर सेकंड जी ट्वेंटी सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है अगर किसी को बहुत अच्छे से जितनी भी जी वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं जितनी भी समिट्स हुई हैं ये करनी है तो मैं आपके साथ में एक यहाँ पर वीडियो शेयर कर दूंगी जो मैंने ऑलरेडी ऑलिबोर्ड चैनल पर लिया हुआ है वहाँ से आप सारी जो भी आपकी जी की समिट्स एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हैं

वेरी नाइस nice. बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि रश्मि शुक्ला रश्मि शुक्ला को यहाँ पर बनाया गया है प्लस यहाँ पर इनको क्या दिया गया था ये एडिशनल डीजी जी है यहाँ पर सीआरपीएफ के अंदर और अब ये डीजी जी बनी है किसके अंदर जो आपका सशस्त्र सीमा बल है नेक्स्ट इज ईयर हुआ चोजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी अच्छा एक बात बताओ तुम्हें बोनस क्वेश्चन भी कराती हुई चलूँ क्या मैं बोनस क्वेश्चन करते हुए चले हम लोग फटाफट से कमेंट में येस और नो जो भी लिखना है लिखो फटाफट से चलो ठीक है बोनस क्वेश्चन यहां पर करते हैं अभी आपका बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड इसने पूछा किसको मिला है शशिधर जगदीशन को मिला है एच बैंक से हैं ये मुझे फटाफट से ये बताओ एच बैंक के कौन से चेयरमैन हैं जिन्होंने अपना पद जो है यहाँ पर छोड़ दिया अभी फिलहाल में और पद छोड़ा छोड़ा है ऑलमोस्ट फोर्टी सिक्स ईयर्स के बाद में उनका नाम क्या होगा तो याद रखना एच के एक चेयरमैन है जिनका क्या नाम है दीपक पारिक जिन्होंने आफ्टर फोर्टी सिक्स ईयर्स पर एज अ चेयरमैन रहने के बाद में अब एच बैंक के इस पद से यहाँ

सेंट्रल बैंक गवर्नर अवार्ड दिए गए जिसके अंदर शक्तिकांत दास जो कि हमारे 25थ एन करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 जो है इसका थीम क्या रहा तो आंसर क्या होगा गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहो सभी लोग वेरी नाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि क्या आप में से कोई ये बता सकता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हर साल कब मनाया जाता है मैम तीन मार्च को मनाया जाता है और इसका जो यहाँ पर थीम है इस बार का वो क्या है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेक्स्ट इज ए सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है ट्वेंटी सेवेंथ सेकेंड मार्च थर्ड मार्च या फिर फर्स्ट मार्च आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट मार्च को क्या मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है इस बार इसका थीम क्या था यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन नेक्स्ट इस ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन द मैन लॉन्ग जम्प इन सेकेंड ए एफ आई नेशनल जंप्स कॉम

मैम यहाँ पर जैसविन आलड्रीन जो है तमिलनाडु के जैसविन आल ने यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बिल्कुल ब्रेक कर दिया है मेंस लॉन्ग जंप के सेकेंड एयर नेशनल जम्प कॉम्पिटिशन के अंदर इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया बोनस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आंसर क्या होगा इधर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में मुझे <coughs> Very nice. करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम एट्टी सेवन पॉइंट मीटर नेक्स्ट इज एयर द इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग होम पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज एक्सरसाइज्री इंडियन एयरफोर्स जो है इसने यहाँ पर किसके साथ में मिलकर शीन मैत्री एक्सरसाइज किया है अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं शिन्यू मैत्री की या फिर इसके अलावा अगर मैं किसी और की बात करूँ जैसे कि आपके लिए कुछ यहाँ पर बोनस क्वेश्चन डाल रही हूं उन सभी का बताना है कि ये कौन से देश के साथ में इंडिया और कौन से देश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है जैसे कि यहाँ पर आप का धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज किसके साथ होती है सहयोग कायजिन एक्सरसाइज जो है ये किसके साथ होती है और जिमेक्स एक्सरसाइज जो है जो यहाँ पर किसके साथ में होती है जिमेक्स एक्सरसाइज ये आपकी नेवी यानी कि नेवी कंडक्ट कराती है मेरीटाइम एक्सरसाइज है मैम इन सभी का आंसर एक ही होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान कायजिन हो शिनयू हो धर्मागार्जन हो चाहे जिमेक्स जिमेक्स में जे का मतलब जापान आय का मतलब इंडिया एंड एम का मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज नेक्स्ट इज य नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है चार मार्च पाँच मार्च छह मार्च या फिर सात मार्च करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम चार मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे और इस बार इसका थीम क्या था नर्चर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर नेक्स्ट इज नेक्सीजर हुज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सी ई आर सी क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर CERC -E जो कि आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रेगुलेशन देखती है सारा इसका नया चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जिष्णु बरुआ जिश्नु बरुआ को यहाँ पर CERC -E का बनाया गया लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं यू पी ई -E आर सी जो है यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसका किसको बनाया गया है तो आंसर क्या होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि यूपी वालों ने सोचा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सबको मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी बांटते हैं तो इसी के नाम वाले जो अरविंद कुमार हैं उनको क्या बना देते हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का हेड बना देते हैं नेक्स्ट इज या फाइव डे लॉन्ग यावशांग फेस्टिवल हैज बिगिन इन या आंसर क्या होगा <coughs> पांच दिवसीय है यहाँ पर यावशांग फेस्टिवल इनमें से कौन से राज्य के अंदर शुरू किया गया फटाफट पड़ से सभी लोग आंसर करेंगे बहुत अच्छे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मणिपुर मैम यावशांग फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया गया सात मार्च से शुरू हुआ था पाँच दिन के लिए लमड़ा मंथ जो कि फेबररी से मार्च के बीच में आता है वहां पर जनरली ये मनाते हैं एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मेथी ट्राइब हेयर लेकिन अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है मेरे कि मैं आपको एडिशनल यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स जो है उनके नाम लिख रही हूँ आपको बताना है कि ये कौन कौन से फेस्टिवल कहाँ कहाँ पर होते हैं जैसे कि सबसे पहला है सागा दावा फेस्टिवल फटाफट से सभी लोग बताओ सागा दावा फेस्टिवल जो है ये कहां पर मनाया जाता है दूसरा यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल फटाफट से सभी लोग बताएंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल किधर मनाया जाता है ठीक है अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन पर ये रहा कि यहाँ पर नॉन्ग क्रेम नोंक्रेम डांस फेस्टिवल किधर मनाया जाता है एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ दैट लोसार फेस्टिवल किधर मनाया जाता है सागा दावा होगा तो मैम आंसर क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा हॉर्नबिल बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा नोंक्रेम बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेघालय हो जाएगा और अगर लोसार बोलेगा तो लोसार वैसे तो मैम बहुत सारी जगह पर मनाया जाता है जैसे अरुणाचल प्रदेश में ठीक है उसके अलावा मैम ये लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है इन सम पार्ट ऑफ सिक्किम ऑल्सो नेक्स्ट इज ईयर वेज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले इंडियन से मेरे कुछ क्वेश्चन है फटाफट से बताओ ये अजय बांगा नाम दिया हुआ इधर अजय बांगा जो है ये कहाँ के अध्यक्ष यानी कि प्रेजिडेंट जो है वो बनाए गए हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा अजय बांगा होगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इस बार ये बने हैं 14th प्रेसिडेंट यानी कि 14th अध्यक्ष ऑफ वर्ल्ड बैंक फिर अगर बोलेगा अरुणा मिलर कोई बता सकता है अरुणा मिलर जो है अभी इनको कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है तो आंसर क्या होगा फटाफट से सभी लोग आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन और आपके पास सेकंड शुरू होते हैं अब <coughs> ये बनी है 10th टेंथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड विच इज बेसिकली अ अस्टेट इन यूएसए ठीक है याद रहेगा आपको अब यहां पर ये हो गया वर्ल्ड बैंक ये हो गई मैरीलैंड की पहली यहां पर इंडियन अमेरिकन टेंथ एंड करंट फीमेल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बनाई गई हैं अरुण सुब्रमण्यम को मैम न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर जज बनाया गया नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट हैज द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन द द स्टेट एट एंड ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक ये महिला एकल स्वरोजगार योजना इनमें से कौन से स्टेट के अंदर शुरू की गई है वेरी नाइस सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है कोमल रितेश एंड बबलू कुमार ने करेक्ट आंसर होगा पर उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर आपकी एकल महिला स्वरोजगार योजना चलाई गई तो मुझे फटाफट से यह बताओ फिर लाडली बहना योजना किधर चलाई गई है ठीक है उसके अलावा मो घड़ा योजना मो घरा योजना कौन सी स्टेट के अंदर चलाई गई है फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना यह कौन से स्टेट में चलाई गई है आंसर क्या होगा इधर ठीक है पहले का आंसर होगा मैम लाडली बहना स्कीम एंड लाडली लक्ष्मी टू पॉइंट स्कीम दोनों मध्य प्रदेश में मो घरा होगा तो आंसर क्या करेंगे आंसर करेंगे मैम उड़ीसा जब भी मो शब्द आ जाता है चाहे मो घरा हो चाहे मो वन ना वन से रिलेटेड फॉरेस्ट से रिलेटेड तो भी उड़ीसा होगा और भू अधिकार योजना बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एमपी ये का इधर चलाया गया एमपी में लेकिन अगर आपसे पूछूं लखपति दीदी योजना जो है ये कहाँ पर चलाया गया तो आंसर क्या होगा अब आपका अगर मैं बोलूं लखपति दीदी योजना किधर चलाई गई है तो फटाफट से आंसर करो करेक्ट आंसर क्या होगा वेरी नाइस आंसर हो जाएगा मैम लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है ठीक है फिर एक और यहाँ पर गृहा ज्योति नाम से गृहा ज्योति नाम से जहाँ पर आपको 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की गई है कौन से स्टेट के अंदर गृहा ज्योति योजना यानी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करने की बात की है तो आंसर क्या होगा वेरी नाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मैम कर्नाटका के अंदर यह बात की गई है नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑफिसर टू कमांड फाइटर यूनिट इन इंडियन एयर फोर्स. इनमें से पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है फाइटर यूनिट जो है इंडियन एयर फोर्स का उसको लीड करने के लिए तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा <coughs> आज मैराथन में इतना कम लाइव काउंट क्यों है ठीक है क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैम शैलजा धामी शैलजा धामी बनी है फर्स्ट वेमन ऑफिसर टू कमांड ऑफ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयर फोर्स यहाँ पर किया गया है अब मेरे आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कि यहाँ पर पहली ऐसी महिला कौन बनी है जो कमांड करने वाली है जो यहाँ पर आर्मी कॉप्स का जो इंजीनियर कॉप्स है ऑफ इंडियन आर्मी तो आंसर क्या होगा इंडियन आर्मी का इंजीनियरिंग कॉप्स को यहां पर लीड करने के लिए किसको दिया गया है प्लस यहां पर भूटान के अंदर डिप्लॉय की जाएंगी इनमें से कौन सी महिला फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे फर्स्ट वेमेन टू बी डिप्लॉयड इंजीनियर कॉप इन इंडियन एयर आर्मी और अगर आपसे पूछूं सियाचिन ग्लेशियर के इनमें से कौन सी यहां पर फर्स्ट ऐसी महिला अपॉइंट की गई है तो आंसर क्या होगा चलो आपके पाँच सेकेंड होते हैं यहाँ पर ख़त्म अब मैं एक कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि जो लोग सबसे करेक्ट आंसर कर रहे हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगी ठीक है वेरी नाइस ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर जो है इधर करेक्ट आ रहा है ठीक है भूटान बोलेगा तो आंसर क्या करेंगे भूटान बोलेगा तो मैम हम आंसर करेंगे गीता राव ठीक है और अगर यहां पर आपसे बोलेगा सियाचिन ग्लेशियर तो आंसर क्या करेंगे यहां पर शिवा चौहान करेंगे ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर शिवा चौहान जो है ये यह यहां पर पहली इस टाइप की महिला ऑफिसर है जिनको क्या किया गया है यहां पर डिप्लॉय किया गया है ठीक है याद रहेगा सभी लोगों को आगे बढ़े इधर नेक्स्ट इज य Who has won द टाइटल ऑफ Bahrain ग्रैंड प्रिक्स और अगर तुम्हें गीता राव गुप्ता बोल दूं, गीता राव गुप्ता बोल दूं, अब भी रिसेंटली गीता राव गुप्ता नाम की जो महिला हैं वो कहां पर अपॉइंट की गई हैं मैम ग्लोबल जितने भी विमेन इश्यूज होते हैं उसके लिए यूएस अम्बेसडर एट लार्ज इनको बनाया गया यूएस एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल विमेन इश्यूज ठीक है अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 जो है इसका टाइटल किसने जीता है यहाँ पर मैक्स वर्स्टा पैन ने जीता है तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टापैन है 2023 का बहरीन ग्रैंड पिक्स यहाँ पर जो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में हुआ वो यहां पर इन्होंने जीता है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ईयर जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है हर साल जन औषधि दिवस आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम सात मार्च को मनाया जाता है इस बार इसका थीम था जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी सबसे पहली बार कब शुरू हुआ था टू में नेक्स्ट

हाइएस्ट किसका है हाईएस्ट है मैम केरला का और लोएस्ट किसका है बिहार का है लोएस्ट बिहार का रहा 61.8 जबकि केरला का हाईएस्ट रहा 94 परसेंट यूटीज़ में बात करूं तो यूटीज के अंदर यहां पर लक्षद्वीप 91.85 के साथ में था और वैसे अगर बात करूं ओवरऑल में सेकंड नंबर पे था ठीक है नेक्स्ट इज यर अकॉर्डिंग टू स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ट्वेंटी रिपोर्ट विच कंट्री विल बिकम इंडियाज लीडिंग वर्ल्ड लीडिंग आर्म्स इंपोर्टर इन ट्वेंटी 22. टू करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम इंडिया इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर वर्ल्ड लार्ज आर्म इंपोर्टर सबसे ज्यादा हथियार हम लोग क्या करते हैं दूसरे देशों से परचेज करते हैं तो हम यहाँ पर 2022 में सबसे बड़े लेवल पर लीडिंग आर्म इंपोर्टर रहे हैं ठीक है और हमारा जो सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है वो कौन सा रहा है यहाँ पर रशिया राय दो हजार से सत्रह के बीच में और दो से दो के बीच में भी ठीक है नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह स्टेटेड दैट टू 2177 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम तो तो होगा यहां पर 2025 से 2177 करोड़ देने की बात की गई है ओ स्मार्ट स्कीम ओ स्मार्ट का मतलब क्या है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ठीक है और ये 2026 तक रहेगा बेसिकली पांच सालों के लिए 2021 से लेके 2026 तक कितना टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन करोड़ नेक्स्ट इज इवर्मेंट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब जो भी यहाँ पर सरकारी जो भी जॉब होती स्टेट के अंदर उत्तराखंड की जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसके अंदर वहां पर जो भी इस टाइप के सरकारी गतिविधियां करते हैं उनको यहां पर कितना परसेंट हॉरिजोनटल रिजर्वेशन देने की बात की गई है मैम टेन परसेंट हॉरिजोंटल रिजर्वेशन देने की बात की गई है नेक्स्ट इज इज बीन अपॉइंटेड एज द सी ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीओ टीसीएस के यहाँ पर नए सीईओ जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं फटाफट से आंसर करो जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इधर ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर के कीर्ति वासन के कीर्ति वासन को टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सीईओ बनाया गया है नेक्स्ट इज इनमें से पहला कंट्री कौन सा है पूरे दुनिया में जो अंडर वाटर बरियल साइड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे जाके क्या कर देंगे नीचे जाके उसको वहाँ पर बरियल साइट उसके लिए बना रखी है पानी के भी नीचे जो जमीन है उसके उधर जाके उसको स्टोर करेंगे एंड इम्पोर्ट द गैस फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल तो आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डेनमार्क डेनमार्क बाकी कंट्रीज से भी ये गैस इंपोर्ट करके इसको वहाँ पर क्या करने वाला है अंडर वाटर बरियल साइट में बरी करने वाला है नेक्स्ट इज यार उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अप्रूव डैश टू लॉन्च अ न्यू स्कीम लाइवलीहुड क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल पीपल अंडर द मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा फटाफट से बताओ सभी लोग वेरी नाइस करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 करोड़ रुपए कितना दिया गया 500 करोड़ रुपए दिया है किसने उड़ीसा गवर्नमेंट ने और मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका मिशन मतलब एस सी एस टी की डेवलपमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट इज यार अकॉर्डिंग टू द लैंड स्लाइड एटलेस रिपोर्ट प्रिपेयर बाय द हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैज़ अ मैक्सिमम एक्सपोजर टू लैंड स्लाइड रिस्क इन इंडिया अब जो लोग ये सोच के क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स टैनो में तो नहीं पूछा था तो शायद इसमें भी नहीं आएगा और एक बार ये सोचो अगर आ गया तो <coughs> अगर आ गया तो क्या कंडीशन होगी है ना तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट और इसके अंदर तो आपका दो घंटे के अंदर चार सौ क्वेश्चन आपके सारे मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है करने में, में तब तो कोई नहीं होना चाहिए। Correct answer क्या होगा पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की जो रुद्रप्रयाग है, है है पर पर इसको बोला गया है कि सबसे ज़्यादा का रिस्क भी यहीं पर है हमारे देश के अंदर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस फ्रॉम आरबीआई करेक्ट आंसर इधर क्या होगा 18 से शुरू है तीन दिन पहले इनका रिकॉर्ड है कि तीन से चार दिन पहले आता है एडमिट कार्ड जो है आपका तीन से चार दिन पहले आ जाएगा तो मे भी हो सकता है संडे तक आपको थोड़ा सा अपडेट वग़ैरह मिल जाए कि कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेडा इरेडा पहले क्या थी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी थी और अब इसको कौन सा स्टेटस मिल गया आई एफ एस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का नेक्स्ट इज या नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटक आपसे पूछ रहा है इस रेलवे स्टेशन का लेंथ कितना है तो आंसर क्या होगा फिफ्टीन मीटर और ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताया गया है पूरे विश्व के अंदर जिसको बीस करोड़ की लागत पर बनाया गया है नेक्स्ट इज देयर सेंट्रल हैज इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस फॉर ऑल गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ फ्रॉम थर्टी एट परसेंट टू हाउ मच परसेंट थर्टी एट परसेंट से बढ़ाकर जितना भी यहाँ पर डी एन एस अलावेंस किसके लिए होता है बेसिकली डी एन एस अलाउंस यानी कि जो डी ए होता है ये जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ होते हैं उनको इन्फ्लेशन रिस्क से कवर करने के लिए होता है कि यहाँ पर प्राइजेज भी तो बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है इसलिए इनका डी ए जो है वो बढ़ा दिया जाता है और थर्टी एट परसेंट से बढ़ाकर ये फोर्टी टू परसेंट कर दिया यानी कि चार परसेंट हाइक मिला है डी ए के अंदर फिर आपने एक नाम सुना होगा डी आर जिसको हम कहते हैं डियरनेस रिलीफ ये किन को दिया जाता है ये दिया जाता है जो पेंशनर्स होते हैं जिनको सरकारी पेंशन प्राप्त होती है नेक्स्ट इज यार लोकसभा एज पास द ओवर वन पॉइंट वन एट लाख करोड़ बजट फॉर विच यूनियन टेरिटरी फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष है दो हजार चौबीस वाला तो इसमें यहाँ पर वन पॉइंट एटीन लाख करोड़ का बजट कौन लोकसभा ने किस यूटी के लिए पास किया है तो आंसर क्या होगा मैम जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया है नेक्स्ट इज यार उत्तराखंड Will set up a sport of this state. तो क्या होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पर, से से तो पर हल्दवानीनल स्टेडियम है हल्दवानी का जिसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा there, में, to, uh, अब आपको बताया कौन है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं इनको किसने दिया है अपने इधर का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल तो व्हाइट ईगल अवार्ड किसको दिया है पोलैंड का ये व्हाइट ईगल अवार्ड है जो दिया गया है किसको व्लादिमिर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के ये प्रेसिडेंट है यूक्रेन के अब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि सूरी नेम एक कंट्री है सूरी नेम ने अपना हाइएस्ट ऑनर किसको दिया है तो आंसर क्या होगा सबसे बड़ा इनका जो सिविलियन ऑनर है वो किसको दिया है फिर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड किसको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड कौन से देश का हाईएस्ट ओनर है देखो सूरी नेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी को ठीक है महामहिम और फिर अगर बात करें ऑर्डर ऑफ द नील मैम ये एक तो इजिप्ट का सबसे हाइएस्ट ओनर है जो किसको दिया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया इस क्लास की पी के लिए ज्वाइन करें शीता शर्मा ज़ीरो वन पर आपको क्लास का पी जो है वो मिल जाएगा विद होम इज वर्ग इस कुरियन एसोसिएटेड वर्गीज कुरियन जो है इनमें से किससे एसोसिएटेड है आंसर यहां पर क्या होगा फटाफट से बताओ बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड है मैम जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना उससे रिलेटेड है, उस है. वर्गीज कुरियन में नाइनटीन के अंदर वर्गीज कुरियन डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यहाँ पर ये एक ड्राइव चलाया था किसके नाम से ऑपरेशन फ्लड के नाम से यानी कि इसको नाम क्या दिया ऑपरेशन फ्लड मतलब बाढ़ किसकी नदियाँ बहा देंगे दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स की मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स की अब याद रखना आपका जो है है ना आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है ये आपका कॉपरेटिव लिमिटेड अमूल कंपनी जो है ये भी 1970s में वर्गीज कुरियन की ही क्या है देन है इसीलिए इनको इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है है बोला फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है फिर अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं इंडिगो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है येल्लो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड और ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन से अक्सर यहां पर क्वेश्चन आता है ठीक है तो फटाफट से बताओ यहां पर क्या होगा बिल्कुल गोपाल जी धैर्य से पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है अब ये किससे रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मैम ये रिलेटेड है किससे जो आपके स्पेशली हाई यील्डिंग वीट वैरायटी इसी के तौर पर आई थी यानी कि यहाँ पर मेन क्या था एग्रीकल्चर और वीट प्रोडक्शन को बढ़ाना ठीक है फूड ग्रेन्स यानी कि वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो हाई यील्डिंग वीट सीड्स जो थे वो भी यहाँ पर लाए गए थे और ये कौन से ईयर में आया था मैम नाइनटीन के अराउंड आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इसके फादर कौन बनाए जाते हैं अब इससे ना दो तो चीज़ें आती है एक तो आती है वर्ल्ड लेवल पर और एक है इंडिया में इंडिया में इसका जनक कौन था और विश्व में इसका जनक कौन था तो वर्ल्ड लेवल पर एक आपको नाम याद रखना है नॉर्मन बोर्लो ठीक है क्या नाम है उनका नॉर्मन बॉर्डो जो है ये किससे रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं इन द वर्ल्ड और इंडिया के अंदर फादर ऑफ़ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को किसको बोला जाता है यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन को फिर अगर बात करें यहाँ पर हम येल्लो रेवोल्यूशन की तो ये बताइए हु इज़ द फादर ऑफ़ येल्लो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है मैम ऑयल सीड्स वगैरह से रिलेटेड है ये है ना और सैम पित्रोदा जो है सैम पित्रोदा जो है इनको क्या कहा जाता है फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है अब इंडिगो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच एंड ऑल्सो द फादर ऑफ इंडिगो रेवोल्यूशन अगर कोई है यहाँ पर इंडिगो रेवोल्यूशन का फादर तो आंसर क्या होगा आंसर करो फटाफट से अगर मैं आपसे बोलूँ ब्लू रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है और इसके फादर कौन माने जाते हैं तो आंसर क्या होगा बिल्कुल सही मैम जो भी यहाँ पर मरीन प्रोडक्ट्स है या सी फूड जो है बेस बेसिकली जैसे फिश वगैरह इनका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर ले जाने के लिए तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है इसके फादर किसे कहा जाता है हीरा लाल चौधरी को अगर मैं आपसे पूछूँ सिल्वर रेवोल्यूशन सिल्वर रेवोल्यूशन कौन लाया था सिल्वर रेवोल्यूशन की जनक मानी जाती है भारत के अंदर जहां पर एग्ज के प्रोडक्शन को क्या बोला गया कि एग्स का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और ये इंदिरा गांधी को जाना जाता है ठीक है इंदिरा गांधी जी का नाम इससे एसोसिएटेड है नेक्स्ट इज यर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड जस्ट अभी इसके बारे में बात की और यही क्वेश्चन आपका आ गया है एंड होप जो भी हमने आज तक क्लासेस में किया है ई पी के वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर. अंदर भी आ जाए हाँ बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ये इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है लेकिन सिर्फ इजिप्ट ने नहीं दिया है इसको और कौन कौन से देश ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दे दिया है प्लस याद रखना पीएम नरेंद्र मोदी जी को जो सबसे रिसेंट अवार्ड मिला है वो ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड ही मिला है और वो भी इजिप्ट से मिला है और ये इनका थर्टीथ टाइटल है यानी कि अब तक ऐसे तेरह देश इनको अपना हाइय सिविलियन ऑनर दे चुके हैं अब देखो 2023 में इजिप्ट के अलावा इससे पहले पपुआ न्यू गिनीना पपुआ न्यू गिनी और फिजी जो हैं ये भी अपना हाईएस्ट ओनर किसको दे चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट इज हु हैज नेम द प्रेस्टीजियस केंद्र साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार फॉर द नोवल पेरू पेरुजियाते कुंजी थालूकल क्या होगा करेक्ट आंसर इनमें से किसको मिला है यहाँ पर केंद्रीय साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार यानी कि चिल्ड्रेन के केस में तो आंसर क्या हो जाएगा इंडियन राइटर हैं प्रिया ए एस नाम से इनको यहाँ पर यह दिया गया है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए मलयालम का इनका जो 2018 का नावल था उसके लिए इनको ये दिया गया है प्लस याद रखना केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी ये जीत चुकी हैं चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए दो में सेम नावल के लिए नेक्स्ट इज आज रिसेंट रिपोर्ट विच ऑफ दिकेम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग्योरमेंट यहां पर सबसे e ऊपर रहा, तो सब रहा त्रिपुरा देखो ई e प्रक्योरमेंट क्या होता है जहां पर डिजिटली सरकार अलग अलग स्टेट से कोई भी चीज यहां पर खरीदती है तो हम उसको प्रक्योरमेंट कहते हैं जब सरकार जो होती है कोई सामान इधर खरीदती है किसी भी चीज से रिलेटेड नेक्स्ट इज एयर विच रिवर इज न्यूज गंगा ऑफ इटली इटली की पवित्र नदी इटली की गंगा इनमें से किसको कहा जाता है है एक बड़ी नदी, तो नदी। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती है लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड तो याद रखना सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है इन द वर्ल्ड नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सैंक्शनड डैश अंडर फेम इंडिया स्कीम फेज टू सेंक्शनड टू थ्री पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ फॉर सेटिंग अप सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू पब्लिक फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन पब्लिक मतलब सरकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात की गई है वो भी एक दो नहीं सात हजार से ज्यादा तो इसके लिए तीन ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको यहां पर सरकार ने आठ करोड़ रुपए देने की बात की है अब ये तीन कंपनीज कौन सी है एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक है भारत पेट्रोलियम और एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम नेक्स्ट इज यार जेन मैरियॉर्ड जो है इनको पहली फीमेल एनवॉय यूनाइटेड किंगडम की तरफ से राजदूत बनाकर पहली महिला राजदूत बनाकर किधर भेजा गया है तो आंसर यहां पर क्या होगा ठीक है विशाल ये भी मैं करती हूं वेरी नाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम पाकिस्तान के अंदर ठीक है क्रिश्चियन टर्नर की जगह पर ये ये आ रही हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी फीमेल को यहाँ पर क्या भेजा जा रहा है किसी फीमेल को यहाँ पर राजदूत बना के भेजा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट इज in ये दूध सागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया ये दूध सागर फॉल जो है इनमें से कौन से स्टेट के अंदर है इंडिया में तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से कर्नाटका मध्य प्रदेश केरला या फिर गोवा देखो जब भी हम बात करते हैं ना वाटरफॉल्स की तो हमेशा दो चीज़ याद रखनी है कि एक तो स्टेट याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है कौन सी नदी क्योंकि नदी का पानी आके किसी खाई या जहाँ पर आपका पहाड़ वो कट गया है उसके नीचे वो पानी आके गिर रहा है तभी तो जलप्रपात बना रहा है तभी तो वाटरफॉल बना रहा तो है तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम दूध सागर फॉल्स जो है ये कहाँ का फेमस फॉल है ये बोला जाता है गोवा का मेजर इसको यहाँ पर वाटरफॉल जो है बोला जाता है लेकिन अगर आपसे पूछेगा इधर कौन सी नदी पर तो आंसर क्या होगा विच रिवर एक्चुअली फॉर्म्स दूध सागर फॉल्स दूध सागर फॉल्स क्यों कहा जाता है एकदम व्हाइट पानी देखने में दिखता है ठीक है इसको कई बार क्या बोला जाता है सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है गोवा के अंदर आपको पता है दो नदियां बड़ी फेमस है एक मंडोवी रिवर है और दूसरी कौन सी है जुआरी रिवर है देखो आप वहाँ पर कसीनो वगैरह बहुत है तो जुआरी रिवर वहाँ पर है जुआरी रिवर के ऊपर एक नया ब्रिज जो है अभी कुछ ही टाइम पहले उसको इनोग्रेट किया गया और मांडोवी रिवर जिसके किनारे क्या बसा हुआ है आपका पंजिम शहर बसा हुआ है, है ना गोवा के अंदर तो बस उसी के पास में यह दूध सागर फॉल्स है और बहुत ही सुंदर है यहाँ पर इसके सामने से ट्रेन का भी रास्ता है तो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कई बार रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम थर्टी फर्स्ट मेंबर ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की सवीं मेंबर इनमें से कौन सी कंट्री बनी है तो आंसर क्या होगा जुआरी ब्रिज गोवा के अंदर ही है ठीक है नेक्स्ट इज येयर करेक्ट आंसर क्या होगा फिनलैंड फिनलैंड बना है थर्टी फर्स्ट मेंबर ऑफ नेटो नेटो का यहाँ पर इकतीसवां मेंबर इसको बनाया गया है नेक्स्ट इज ईयर त्रिपितका आर सीक्रेट बुक्स ऑफ त्रिपितका जो है ये यह यहाँ पर क्या है पवित्र पुस्तकें हैं है, इनमें से कौन से धर्म की बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म की या फिर जैन धर्म की तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बौद्धिस्ट लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ कि अगमाज जो है ये किसकी पवित्र ग्रंथ है या किताब है तो आंसर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तोरा तोरा कौन से धर्म से रिलेटेड है तो आंसर क्या होगा मैम अगवा बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे जैन धर्म जैनिज़्म अगर बोलेगा तोरा तो हम क्या बोलेंगे यहूदी यानी कि जियूज से रिलेटेड है नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज अपॉइंटेड रेजा अमेरी एज इट्स एम्बेसडर टू द ए फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016 2016 के बाद में सबसे पहली बार यू ए की एम्बेसडर रेजा अमेरी को बनाया गया है कौन से कंट्री द्वारा तो आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा मैम ईरान तो ईरान ने यहाँ पर क्या किया है एक राजदूत भेजा है यू के अंदर पहली बार दो के बाद में और ये कौन है इसका नाम है रेजा मेरी नेक्स्ट इज ईयर आज़ादी रिश्ता इंडिका इज द बोटानिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसका यहाँ पर बोटानिकल या साइंटिफिक नेम जो है वो आज़ादी रिश्ता इंडिका है देखो अगर मुझे कोई नीम खिलाएगा तो उस बंदे से सबसे पहले मुझे आज़ादी चाहिए क्योंकि मैं नीम नहीं नहीं खा पाऊंगी ठीक है तो आजादी रिश्ता इंडिका जो है वो नीम है फिर अगर मैं यहां पर पूछू आपसे ये मैंगो दिया हुआ है इसके नीचे मैंगो का यहां पर साइंटिफिक नेम क्या है तो याद रखना इसके नाम में पीछे इंडिका है लेकिन आगे क्या है मेंगी फेरा, मेंगी फेरा, इंडिका फिर अगर बोलता है एप्पल ट्री जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे एंड थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जोश दिखाइए एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होगा मैम मैलस मैलस से कैसे याद रखेंगे मैम इसके अंदर मैलिक एसिड होता है है ना जो आपका एप्पल्स होते हैं बनानाज होते हैं इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है मैलिक एसिड देखने को मिलता है तो मैम इसको याद रख लेंगे मैलस डोमेस्टिका के नाम से ठीक है फिर आ गया आपका रोज़ प्लांट फटाफट से बताओ रोज प्लांट जो है गुलाब का जो पौधा होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से आंसर करो तो आंसर हो जाएगा मैम बड़ा ही फेमिलर है सेम है रोजा रोजा के आगे क्या याद रखना है रूबी गिनोसा रोजा रूबी गिनोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज प्लांट नेक्स्ट इज दिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट इन्वेट टू बी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एन क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम आई आर बी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है इसको स्पॉन्सर करता है आई आर बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ये एन के ऊपर यहाँ पर इसको लिस्ट किया गया है पहला ऐसा प्राइवेट इन्वेट है ये यह यहाँ पर इन्विट क्या होते हैं ये होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं इनको तो ये पहला ऐसा यहाँ पर हुआ है नेक्स्ट इज यार इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंसेंटिसिटी क्या होगा करेक्ट आंसर लाइट इंटेंसिटी क्या होता है प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को इनमें से क्या कहा जाता है क्या होगा करेक्ट आंसर आंसर क्या होगा अब एक बात बताओ कि जब तुमको देखना है फ़ोटो खींचना है तो तुम देखते हो ना कि लाइट कितनी अच्छी आ रही है है ना लाइट कितनी अच्छी आ रही है तो फोटोमीटर जो है ये लाइट इंटेंसिटी देखता है फिर अगर मैं आपसे पूछूं क्रायोमीटर जो है ये किससे रिलेटेड है क्रायोमीटर क्रायोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है क्या मेजर करने के लिए किया जाता है मैम क्रायोमीटर बोलते हैं कि जब किसी भी एक किसी भी एक टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है हाई टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छा हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर तो याद रखना क्रायोमीटर लो टेम्परेचर होगा और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर होगा पायरोमीटर किससे रिलेटेड हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और जो आपका क्रायोमीटर है मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में जाते हैं रोना निकल आता है है ना तो लो टेम्परेचर से याद रखना लो टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है फिर साइनोमीटर जो होता है ये बेसिकली ब्ल्यूनेस देखने के लिए किसी का ब्ल्यू इंटेंसिटी कैसा है जर्नली कोई स्काई जो है कोई आसमान कितना ब्लू है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है अगर बैरोमीटर की बात करूँ तो बैरोमीटर का क्या होगा करेक्ट आंसर इधर आंसर करो फटाफट से बैरोमीटर किसके लिए मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर क्या करता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर मेजर करता है तो प्रेशर से रिलेटेड है बैरोमीटर नेक्स्ट इज यर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परशोत्तम रूपाला हैज़ लॉन्च एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ ए एच डबल एस ओ एच प्रोजेक्ट ए एच डबल एस ओ एच प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने क्या किया इसको फंड देने का यानी कि इसको इसको पैसा देने की बात की है नेक्स्ट इज ईयर हु रोड द बुक अनटचल इनमें से किसने ये किताब लिखी अनटचचेबल नाम की यह मेरा टेलीग्राम चैनल है गई आपको टेलीग्राम पर जाना है जाकर आपको लिखना है शीतल शर्मा मैम ठीक है जैसे ही आप शीतल शर्मा मैम इधर लिखोगे आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा शीतल शर्मा मैम के नाम से यहाँ पर थर्टी एट पॉइंट थ्री के से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ऑलमोस्ट थर्टी एट पॉइंट फोर के यहाँ पर होने वाले हैं तो इधर आप लोग इसको ज़रा ज्वाइन कर लेना ठीक है ओके okay, आंसर क्या होगा इधर प्रेमचंद है सरोजनी नायडू है एन नटवर सिंह है या फिर मुल्क राज आनंद वेरी नाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि सरोवर नाम की किताब जो है वो इनमें से किसने लिखी है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम अनटचेबल मतलब मुल्क राज आनंद ने लिखी है किसने लिखी है ये अनटचेबल बुक मुल्क राज आनंद ने लेकिन अगर बोलेगा सरोवर मान सरोवर जो है या फिर गोदन गबन गोदन ये किताबें किसने लिखी हैं तो याद रखना आंसर होगा इन दैट केस प्रेमचंद ने ठीक है किसने लिखी है यहां पर प्रेमचंद ने फिर अगर मैं आपसे यहां पर पूछूँ सरोजनी नायडू ने कौन सी किताब लिखी है तो आंसर क्या होगा विच बुक इज रिटन बाय सरोजनी नायडू जिनको नाइटिंग गेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है राइट पोएटिस रही हैं ये तो याद रखना इनकी फेमस किताबों में से एक है द गोल्डन थ्रेश होल्ड द गोल्डन थ्रेश होल्ड सरोजनी नायडू जो है इनके बर्थ एनिवर्सरी पर भारत के अंदर क्या मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है मैम तेरह फरवरी को और तेरह फरवरी को भारत के अंदर नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको इधर याद रखना है इसके अलावा सरोजनी नायडू सबसे पहली बार 1925 में कानपुर सेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेक्स्ट है यहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल फील्ड क्या होगा करेक्ट आंसर देखो मैराथन में अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स इस टाइप का है तो मुझे लगता है मेरे को आगे की मैराथन रहने ही देनी चाहिए चलो आंसर करो

ओके समार राइटिंग डी एयर समार राइटिंग बी हेयर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो के वेणुगोपाल है ये अल्लापूजा जर्नल हॉस्पिटल जो है उसमें क्या है डॉक्टर है इनको क्या दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मेडिकल फील्ड में इनके कॉपरेशन के लिए इनको क्या दिया गया है अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट इज एन डे इज मार्कड ऑन विच डेट क्या होगा करेक्ट आंसर एन डे जो है इनमें से कौन सी जगह पर किया जाता है तो आंसर क्या होगा वेरी नाइस करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम एन आर आई डे जो है ये कब मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि नाइन्थ ऑफ जैन 1915 के अंदर कौन भारत वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी जो हैं वो वापस आए थे कहाँ पर इंडिया रिटर्न हुए थे इसलिए ये डे मनाया जाता है इस बार एनआरआई डे जो है इसका जो फंक्शन कहाँ पर किया गया तो आंसर क्या होगा मैम इंदौर मध्य प्रदेश में इस बार ये जो फंक्शन होता है इधर एनआरआई डे का जो सेलिब्रेशन हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में नेक्स्ट इज ईयर वो हैज़ बिन अवार्डेड कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रेडिशनल बॉल म्यूजिक ऑन द वर्ल्ड स्टेज करेक्ट आंसर क्या है गा? इनके खुद के नाम में बॉल है यानी कि पी बॉल जो है इनको यहाँ पर कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया नेक्स्ट इज ईयर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वाटर इनमें से कौन सी जगह पर है तो आंसर क्या होगा लंडन पेरिस बॉन या फिर लियोन क्या होगा करेक्ट आंसर इधर मैम करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरपोल का जो हेडक्वाटर है वो किधर है लियोन पैरिस के अंदर है कहां पर है लेन पैरिस अंदर है सॉरी लियोन लियोन फ्रांस फ्रांस के Leon, के अंदर अंदर है 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 पर अब मैं अगर आपसे यहां पर कुछ बोनस क्वेश्चन पूछ लू आपको बोनस क्वेश्चन डाल दू सबसे पहला है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी और इसी में से ही इन्हीं ऑप्शन में से एक होगा आंसर इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी जो है उसका हेडक्वार्टर इनमें से कौन सी जगह पर होगा आंसर करो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर किधर होगा अच्छा सच सच बताओ चीटिंग कर रहे हो ना सारे पहले वाले ने जो लिखा सब वही लिखेंगे चाहे सही हो चाहे गलत हो सब लिख रहे हैं है, मैम पैरालंपिक्स पेरिस में है पेरिस में है गलत हो जाएगा बॉन जर्मनी में है ओलंपिक्स का तो लॉज स्विट्जरलैंड में है लेकिन जो पैरालंपिक्स है उसका बॉन जर्मनी में है यूनेस्को का किधर है इसका पेरिस फ्रांस में है ठीक है यूनेस्को का यहाँ पर क्या होगा पेरिस फ्रांस होगा इसीलिए कहती हूँ चीटिंग मत किया करो तुम लोग एमिनेस्टी इंटरनेशनल एमिनेस्टी इंटरनेशनल जो है हेडक्वार्टर किधर होगा तो याद रखना लंदन यूनाइटेड किंगडम में और एक बोनस क्वेश्चन और है आप लोगों से मेरा कि ये बताइए इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से आंसर करो सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है आंसर क्या होगा और अगर वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैं ये बोल दूँ आपको कि इंटरनेशनल मैरीटाइम टाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है इन चारों ऑप्शन में से एक बताओ देखो मीटोलॉजिकल का किधर होगा जीनीवा में होगा जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में लेकिन मैरीटाइम टाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ का बोलेगा तो आंसर क्या होगा आईएमओ हो का किधर होगा मैम लंडन यूनाइटेड किंगडम में तो कंफ्यूज मत होना मीट्रोलॉजिकल मौसम विभाग की बात कर रहा है तो मौसम जो है वो बड़ा ही जानलेवा हो रखा है मैरी टाइम की बात करेगा यानी कि यहाँ पर समुद्री संगठन की बात करेगा तो आंसर होगा लंडन यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट इज एयर इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद द बिगेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर बीटिंग विच कंट्री थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा गाइज अदरवाइज हमारे क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाएंगे तो क्या आप लोग Ready है रैपिड फायर के लिए आप में से कितने लोग यहां पर रैपिड फायर करना चाहते हैं मतलब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर अगर रैपिड फायर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो yes. बिल्कुल सरकारी बूथ बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेंगे डोंट वरी जितने बड़े लेवल पर यस आएगा उसी स्पीड के साथ में रैपिड फायर शुरू हो जाएगा यानी कि आज का हमारा जो सेशन है हमें एनी हाउ तीन सौ क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट करने है, फिर आपको ना बार बार करंट अफेयर इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है इसी से कवर हो जाएगा आपका चलो ऑलमोस्ट सभी लोग यहां पर यस yes बोल रहे हैं ठीक है चलो कर देते हैं जी शुरू चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चाइना बनाए यहां पर चाइना को बीट करके इंडिया बना है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद द बिगेस्ट रोड नेटवर्क किसके बाद में चाइना के बाद में चाइना पहले नंबर पर हम आ गए हैं दूसरे नंबर पर नेक्स्ट इज यार सजीबू चेरियोबा इज द ल्यूनार न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनमें से कौन से स्टेट के अंदर जो सजीबू चेरियोबा जो है अब नाम कैसा लग रहा है नॉर्थ ईस्टर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो क्या होगा करेक्ट आंसर मैम कुछ देखने की जरूरत नहीं ऑप्शन देखिए वेस्ट बंगाल उड़ीसा बिहार वाला नाम ही नहीं लग रहा नाम कहा लग रहा है मणिपुर का लग रहा है तो करेक्ट आंसर होगा मणिपुर नेक्स्ट इज है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है इसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फिफ्टी सिक्सेंड करोड़ रुपीज से ज्यादा के प्रपोजल कितने स्टेट्स के लिए यहां पर क्या किए अप्रूव किए आंसर क्या हो जाएगा मैम सोलह स्टेट्स के लिए मतलब सोलह स्टेट्स को ये फिफ्टी सिक्स करोड़ से ज्यादा पैसे देने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट है एज पर द लेटेस्ट सेंसस रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहली बार फोटोग्राफिक प्रूफ रखेगा टाइगर्स का ये बताइए ज़रा ये सुहेलवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में क्या नाम है सुहेलवा नाम है इसका नेक्स्ट इज ये थाए पूसम इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट थाए पूसम नाम का ये रिलीजियस फेस्टिवल जो है इनमें से कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है या कहाँ पर मनाया जाता है तो आंसर क्या होगा क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोनस क्वेश्चन भी चाहिए क्या एक दो बोनस क्वेश्चन भी डाल दो इसके अंदर देखो थाई ताईपूसम जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है अब आपके लिए क्वेश्चन है उगादी जो है ये कहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है एक क्वेश्चन राजा फेस्टिवल इनमें से कौन से स्टेट में मनाया जाता है फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ओनम जो है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है मैम उगादी होगा तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश आंसर क्या होगा आंध्र प्रदेश राजा फेस्टिवल उड़ीसा ओनम बोलेगा केरला पोंगल बोलेगा तमिलनाडु पोंगल बोलेगा तो क्या करेंगे तमिलनाडु नेक्स्ट है आपका सायर बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी कंट्री का बैंक है आपके पांच सेकंड शुरू होते हैं अब करेक्ट आंसर होगा यहां पर रशिया नेक्स्ट यहां पर वट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बांग्लादेश पांच सेकेंड होते हैं ओवर और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर शकरेन शकरेन जो है ये क्या है एक ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग पतंगबाजी उत्सव है जो बांग्लादेश में मनाया जाता है नेक्स्ट इज यूज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड फाइव सेकेंड्स ओवर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर कमल किशोर चटीवाल जो है उनको क्या बनाया गया नया एमडी बनाया गया इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नेक्स्ट इज देयर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विस स्टेट रिसेंटली कौन से स्टेट के अंदर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया जाता है करेक्ट आंसर क्या होगा ये माओ जगह कहाँ पर है मणिपुर के अंदर तो यहाँ पर मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल दो बोरस क्वेश्चन फटाफट से ये बताओ उत्तरायण जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है इनमें से कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है फिर आप लोगों से मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है कलारी पयट्टू फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों से मेरा यह है कौन सी जगह पर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल ठीक है उत्तरायण होगा आंसर होगा गुजरात कलारी पयट्टू बोलेगा आंसर करेंगे केरला ठीक है स्नेक बोट रेस भी यहीं पर होती है केरला में हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा तो आंसर क्या करेंगे नागालैंड नेक्स्ट इज ये विच ऑफ़ दंट्री विल री जॉइनो इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फोर इयर्स आफ्टर लिविंग ड्यू टू एलिगेशन ऑफ बायसनेस अगेंस्ट इसल इसराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों को देखते हुए किसने कंट्री ने यहाँ पर यूनेस्को को छोड़ दिया था चार साल पहले और आप चार साल बाद वो आप किस यूनेस्को को ज्वाइन कर रहा है आंसर क्या होगा बहुत अच्छे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरे ये ये नहीं है करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए क्या कौन ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर यूएसए ज्वाइन कर रहा है यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है पेरिस फ्रांस में नेक्स्ट इज दिज ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्टेड खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है कि देखो इंडिया का दोस्त था किर्गिस्तान किर्गिस्तान जो है उसने गिरगिट की तरह रंग बदले किर्गिज से गिरगिट याद रहेगा किरगिज से गिरगिट याद रहेगा तो यहाँ पर किर्गिस्तान ने गिरगिट की तरह रंग बदले और किसकी पीठ में खंजर घोप दिया अपने दोस्त इंडिया की पीठ में खंजर घोप दिया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर किर्गिस्तान लेकिन अगर पूछो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा होता है तो याद रखना काजिंद ठीक है तो काज से कजाकिस्तान और इंद से इंडिया उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी होती है डस्ट लिक यानी कि उज्बेकिस्तान को धूल चटाई डस्ट लिक करवाई धूल चटाई किसने इंडिया ने नेक्स्ट इज देर बीन रीअपॉइंटेड एज एम डी एन सी ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के इनमें से कौन से एमडीएनसीओ बने हैं देखो अश्विनी कुमार तो यूको बैंक के बनाए गए हैं दीपक मोहंती जो है ये किसके बनाए गए हैं पी एफ आर डी ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के और पी एन वासुदेवन जो है ये किसके बनाए गए हैं इक्विटास के अगर मैं पी एन हटा के खाली पी वासुदेवन कर दूँ तो आंसर क्या होगा पी एन वासुदेवन तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं लेकिन पी वासुदेवन नाम से यहाँ पर क्या बनाए गए हैं नया एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है किसके अंदर आर के अंदर, अंदर. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पी एन वासुदेवन नेक्स्ट इज या चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट इनमें से कौन सी जगह पर है चंदोली नेशनल पार्क अभी याद रखने के लिए ट्रिक बताती हूँ देखो संजय दत्त जो है उसे आपको याद रखना है संजय गांधी संजय दत्त जो थे इनका जो गांव है ठीक है इनका जो गांव है वो कहाँ उनके गांव का नाम क्या है चंदोली है ठीक है वहां पर हर साल मल का मेला लगता है ठीक है गुग्गा मल के मेले में गए और वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी से पेंच लड़ाली दत्त ने है ना आंखों से पेंच लड़ाली तो जवाहरलाल नेहरू पेच नेशनल पार्क और पेच लड़ाई तो इनको काफ़ी तोड़ा गया उनके बॉडीगार्ड द्वारा तो याद रखना तड़ोबा तोड़े से तड़ोबा याद रखना है गुगा याद रखना है संजय गांधी नवे और चौदौली नेशनल पार्क ये सारे कहाँ है महाराष्ट्र में क्योंकि संजय दत्त तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं ना नेक्स्ट इज य द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर वेमेन कबड्डी लीग कमेंसड इन विस सिटी क्या होगा करेक्ट आंसर इंडिया का पहला वुमेन कबड्डी लीग जो है इनमें से कौन से शहर के अंदर शुरू किया गया तो करेक्ट आंसर क्या होगा दुबई के अंदर आजकल दुबई में बहुत सारी चीज़ें नए नए स्पोर्ट्स यहाँ पर जन्म ले रहे हैं यहाँ पर होस्ट किए जाते हैं हमेशा अर्ज पीपल टू विजिट इंडिया फर्स्ट विलेज किपूथू जिसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहला विलेज यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज बन तैयार हो गया है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा किबूथू गाँव जो है मैम ये कहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में तो एक मेरा क्वेश्चन आता है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा गांव है कौन सा विलेज है जहां पर सबसे पहले सनराइज होता है यानी कि भारत के अंदर अगर सबसे पहले सूरज कहीं उगता है सनराइज ऑफ इंडिया यहां पर फर्स्ट सनराइज ऑफ इंडिया इज इन विच विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहां देखने को मिलता है हमें कौन से गांव में दोंग विलेज ठीक है कौन सा होगा यहाँ पर डोंग विलेज याद रहेगा नेक्स्ट इज डैश इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क या फिर हेमिस नेशनल पार्क करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क जो कहां पर है लद्दाख में अब क्या खास बात है इसकी खास बात यह कि यहाँ पर ना स्नो लेपर्स हिम तेंदुए तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इसीलिए इसको क्या बोला जाता है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया स्नो लेपर्ड कैपिटल इसे कहा आ जाता है भारत का इंद्रावती नेशनल पार्क पूछेगा तो आंसर क्या करेंगे मैम छत्तीसगढ़ में किधर है, है इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था हेली नेशनल पार्क अब इसकी खास बात क्या है ये है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यानी कि सबसे पहला और सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी यही है देन वी हैव गिर नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर Gir National Park is located in Gujarat. So, it is located in Gir, Gujarat which is famous for Asiatic Lions. So, it is famous for the Asiatic Lions population. You can find so many Asiatic Lions over there. Next is yeah, which organization has approved 150 million US dollar loan to support the Resilient Kerala program to continue strengthening the state preparedness against natural disaster, climate change impacts and disease outbreaks? Correct answer is World Bank. so million US डॉलर का लोन दे रहा है किसको केरला को दे रहा है उसके रिजाइलेंट केरला प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट इज या सिम्बैक्स जैसे तुम्हें मैंने जिमेक्स का बताया था जिमेक्स क्या बोला था जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ऐसे ही सिम्बैक्स जो है इसमें इसका मतलब क्या है आई मतलब इंडिया बी मतलब बायोलिटरल एम मतलब मैरिटाइम और ई EX एक्स मतलब एक्सरसाइज तो एस से क्या लगता है तुम्हें क्या होगा मैम ऑब्वियसली बात है एस से मतलब इंडिया एंड सिंगापुर किसके बीच में होती है ये एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर अगर आपसे बोलूँ मैं इंडिया और फ्रांस के बारे में तो देखो इंडिया और फ्रांस का तो बहुत पुराना इतिहास है फ्रांस जो थी वो इंडिया की एक्स थी और डेजर्ट में जाके उसने डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस के बीच में है इंडिया को पता था कि ये तो धोखा देगी क्यों क्योंकि हमेशा से इंडिया को इस पर शक था क्यों शक था काफ़ी रूड बिहेव करती थी तो गरुड़ा एक्सरसाइज और शक्ति एक्सरसाइज ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है अब क्या हुआ इनके बीच में कौन आया जिससे शादी की उसका नाम था वरुण तो वरुण जो है वो भी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है लेकिन अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूँ तो इंडोनेशिया और फ्रांस में एक कॉमन चीज़ है यहाँ पर कि इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति गरुड़ अलग अलग एक्सरसाइज होती है लेकिन इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति दोनों कंबाइंड हुए तो इंडोनेशिया के साथ में इंडिया की ये क्या होती है? होती है है एक्सरसाइज इंडोनेशिया कहता है कि नाम में इंड है सेम है लेकिन फिर भी इंडिया मेरे साथ में रूड रहता है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है इंडिया और रशिया की बात करूं यहां पर तो इंदिरा एक्सरसाइज जो है इंदिरा क्या है आई एन डी मतलब इंडिया रा मतलब इधर रशिया नेक्स्ट इज दियर बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ रॉ मतलब रिसर्च एंड एन एनालिसिस विंग करेक्ट आंसर क्या होगा इसके नए चीफ कौन बनाए गए हैं रवि सिन्हा यहां पर बनाए गए हैं लेकिन अगर आपसे पूछू सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है तो आंसर क्या होगा सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है नहीं डिफरेंस होता है राहुल काफी डिफरेंस होता है आपका लेवल जो होता है वो बैंकिंग के अंदर स्पेशली जो आपका रीजनिंग है इंग्लिश है क्वांट है उसका लेवल अप रहता है हु अपॉइंटेड एज न्यू स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सी बी आई वेरी नाइस अब देखो दो तरीके के आंसर आ रहे हैं दो तरीके के आंसर क्या हैं एक तो स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रवीण सूद ज़्यादातर और बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कौन अजय भटनागर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर अजय भटनागर होगा स्पेशल डायरेक्टर कौन बने हैं सी के दैट इज अजय भटनागर इफ आई से हु इज द डायरेक्टर ऑफ सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन है स्पेशल शब्द निकाल दूं खाली डायरेक्टर बोलूं तो आंसर क्या होगा प्रवीण सूद तब आंसर क्या होगा प्रवीण सूद होगा ठीक है नेक्स्ट इज इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ इनमें से किसका यहां पर लाहो जो है है फेमस डांस फॉर्म तो आंसर क्या होगा वेरी नाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मैम मेघालय मेघालय डांस फॉर्म है किसका यहां पर मेघालय का डांस फॉर्म है लाहो लेकिन अगर आप लोगों से मैं पूछूं यक्ष जो है ये किस जगह का कौन से स्टेट का फेमस फोक आर्ट डांस है तो आंसर क्या होगा वेरी नाइस आंसर हो जाएगा मैम कर्नाटका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटका मुझे ये बताइए भरतनाट्यम जो है ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है आंसर क्या होगा वेरी नाइस तमिलनाडु ठीक है कहाँ कहाँ है तमिलनाडु नेक्स्ट इज ईयर वो हैज बिन अवार्डेड द फोर्टी फिफ्थ यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द चार्ल्स विलियन फाउंडेशन करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा अरुंधति दति रॉय जो है उनको फोर्टी फिफ्थ यूरोपियन ऐसे प्राइज जो है दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ने किसने दिया है चार्ल्स विलियन फाउंडेशन ने दिया है नेक्स्ट इज ईयर मोहिनी एटम इज द क्लासिकल डांस ऑफ पिच ऑफ द फॉरइंग स्टेट पाँच सेकेंड शुरू होते हैं अब करेक्ट आंसर क्या होगा मैम केरला के दो यहाँ पर मेन क्लासिकल डांस है वन इज मोहिनी अट्टम एंड द अदर वन इज कथाकली कथाकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है किसके केरला के नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इंस्पेक्टेड एशियाज इज लॉन्गेस्ट जोजिला टनल एशिया का सबसे लंबा जोजिला टनल जो है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी यहाँ पर वेदर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन किया नितिन गडकरी ने आपसे पूछ रहा है जोजिला पास जो है ले को किसके साथ में कनेक्ट करने का काम करता है क्लास कितने बजे तक है क्लास आपकी एक बजे तक चलेगी डोंट वरी अबाउट इट करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर श्रीनगर और ले को कनेक्ट करने का काम करता है नेक्स्ट इज ऐ वट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी ये किससे रिलेटेड है अब आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी आती है कौन सी डेट को आती है अगस्त में आती है कौन सी डेट को जब हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑल्सो भारत के अंदर इनकी बर्थ एनिवर्सरी जयंती पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा वेरी नाइस करेक्ट आंसर क्या होगा ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट एंड गोल जो है वो यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी है नेक्स्ट इज ये स्टेट गवर्नमेंट अनवेल दन ट्वेंटी फाइव फीट एक सौ पच्चीस फीट का लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू जो है बी आर अम्बेडकर का ये यहां पर वन थर्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी थी बी आर अम्बेडकर जी की कौन सी डेट को मनाई जाती है चौदह अप्रैल को तो एक सौ पच्चीस फीट लंबा यहां पर ब्रॉन्ज का स्टैचू कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो आंसर क्या हो जाएगा तेलंगाना में नेक्स्ट इज यार एशियन डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट बैंक के बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोन वगैरह देता है, है ना तो हिमाचल प्रदेश को दिया है इसने चेन्नई को दिया हुआ है इसने यहाँ पर मुंबई में दिया हुआ है महाराष्ट्र को दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश को दिया हुआ है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जो हेडक्वार्टर है मैम वो कहाँ पर पड़ता है मंदालू योंग मेट्रो मनीला फिलिपींस के अंदर नेक्स्ट इज ए ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डेड मिनी रत्ना कैटेगरी वन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टेटस यानी कि इसको यहाँ पर सरकारी जितनी भी कंपनियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती हैं तो उनके तीन कैटेगरी होते हैं यानी कि तीन तरीके की होती है तो मिनी रत्ना होगी या नवरत्म होगी या महारत्ना होगी मिनी रत्ना भी, भी दो कैटेगरी होती है सबसे नीचे आती है कैटेगरी वन और उससे ऊपर होती है कैटेगरी टू तो यहां पर याद रखना जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एसई सी आई जो है उसको यहां पर क्या मिला है मिनी रत्ना कैटेगरी वन का स्टेटस दिया गया who has been for the 2022 है नेक्स्ट इज यू हैज बी नॉमिनेटेड फॉर द प्रोटीजियस ट्वेंटी ट्वेंटी टू महाराष्ट्र भूषण अवार्ड पांच सेकेंड शुरू होते हैं अब आपके okay. टाइम्स ओवर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो है इनका पूरा नाम है दत्तात्रिया नारायण धर्माधिकारी इनको अप्पा साहिब धर्माधिकारी भी कहा जाता है जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट इज यार इनको वैसे पद्मश्री भी मिल चुका है दो में नेक्स्ट इज ईर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से ही जाना जाता था तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर है क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा

जाना है टेलीग्राम पर जाकर लिखना है शीतल शर्मा मैम जैसे ही आप शीतल शर्मा मैम लिखोगे तो वहां पर शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल के नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा जहां पर थर्टी फोर के सब्सक्राइबर्स आपको बेसिकली मिल जाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका कर्नाटका की सरकार ने ये किया है लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपको पता होगा कर्नाटका में नई गवर्नमेंट आई है और यहां पर नए सीएम और न्यू डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं कर्नाटका के तो फटाफट से आंसर करो सीएम बोलेगा तो मैम क्या बोलेंगे सीधा रमैया और अगर बोलेगा यहां पर डेप्यूटी सीएम तो आंसर क्या होगा डी के कुमार नेक्स्ट इज यर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट बिजनेस एनवायरमेंटल रैंकिंग्स अब ये लगा लो आपका एक हफ्ता बचा है ईपीएफओ पी के एग्जाम में तो अभी भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फटाफट से सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके उसको स्पीड अप कर सकते हो अपना रिवीजन तो जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है रिवीजन करना शुरू कर दो क्योंकि अब आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों ही आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर इंडिया की जो रैंक रही किसके अंदर बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग के अंदर जिसको कौन रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट करता है उसके अंदर फोर्टी रैंक रही नेक्स्ट इज ये नेटो का हेडक्वार्टर की तरह अभी बात की थी

यहां पर ज्वाइन किया है नेक्स्ट इज एयर एक् मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री एक वेरिन और एक कथा एक ही जगह जहाँ पर सब लोग जाएंगे एक ही कथा सुनाएंगे हम मॉल डिवस गए हम मॉल डिवस गए पास यही सब नेक्स्ट इज यार इंडिया वॉज रैंक फिफ्ट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट ए आई इन्वेस्टमेंट ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से यहाँ पर कह रहा है इंडिया पाँचवा रहा इस लिस्ट में आपसे पूछ रहा है कौन सी कंट्री ने टॉप किया आंसर क्या होगा ऑब्वियसली मैम यू एस ए जो है ये टॉप पर रहा तो आपको याद रखना है यू एस ए पहले पर दूसरे पर चाइना तीसरे पर यूके चौथे पर इसराइल और पांचवे पर रहा इंडिया नेक्स्ट इज़ बीहू डांस परफॉर्मेंस क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस हुआ सिंगल वेन्यू में तो बीहू कहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस है तो आंसर क्या होगा असम के अंदर इस बार रोंगाली बीहू बनाया गया था जिसमें ग्यारह हज़ार से ज़्यादा डांसर्स और पच्चीस सौ से ज़्यादा ड्रवर्स ने पार्टिसिपेट किया गुवाहाटी असम के सारू सजाए स्टेडियम में नेक्स्ट इज देयर हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जनक इंडिया और फ्रांस माने जाते हैं टू 2015 में इसकी स्थापना हुई थी इसके हेडक्वार्टर का है भारत में गुरुग्राम हरियाणा में नेक्स्ट इज एयर स्वामीनाथन जानकी रमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर फॉर थ्री ईयर्स तीन सालों के लिए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर इनको बनाया जा रहा है तो आपसे पूछ रहे कि अभी फिलहाल में किस बैंक की एमडी के तौर पर काम कर रहे हैं करेक्ट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन जानकी रमन जो है ये एम के तौर पर काम कर रहे हैं अब क्या हुआ कि जो हमारे महेश कुमार जैन यानी कि एम के जैन जो है उनका रिटायरमेंट हो गया तो उनकी जगह पर किसको लाइन आया गया स्वामीनाथन जया की जानकी रमन को नेक्स्ट इज वाज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल चाहे ब्रॉन्स सिल्वर गोल्ड कुछ भी हो पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नम मलेश्वरी कर्णम मलेश्वरी ने क्या जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था कौन से ईयर में इन द ईयर टू नेक्स्ट इज एज पर रिसेंट न्यूज पेपर रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी यानी कि चौथा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने का सोर्स है इंडिया के लिए जहां से इंडिया, इंडिया इंपोर्ट करता है सामान यहां पर मंगवाता है अपने देश के अंदर दैट इज रशिया नेक्स्ट इज यर हेडक्वार्टिमस्टेक्स बिम्स्टेक क्या है बे ऑफ बंगाल इंटरनेशनल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपोरेशन तो इसका हेडक्वार्टर किधर है आंसर क्या होगा ढाका बांग्लादेश में अगर आपसे पूछो काठमांडू नेपाल में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है तो याद रखना सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन पेरिस फ्रांस में तो हमने ऑलरेडी यूनेस्को पढ़ा ही है और जो आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बीजिंग चाइना में है नेक्स्ट इज यार सी जी टी एम एस अप द कवरेज सीलिंग ऑफ सी जी टी फंड स्कीम जो आपका सी जी टी एम एस कहते हैं ना जिसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्होंने बोला है दो करोड़ से बढ़ाकर ये पाँच करोड़ पर बोरोअर क्या कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या देंगे लोन वगैरह देंगे नेक्स्ट इज यार वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्वड ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे जो है ये हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है पच्चीस इक्कीस बीस या फिर बाईस मार्च करेक्ट आंसर क्या होगा बाईस मार्च को मनाया जाता है तो आप ये बताओ मुझे बाईस अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाईस मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है आंसर क्या होगा मैम बाईस अप्रैल को इसके जस्ट एक महीने बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं और 22 मई को क्या बनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं याद रखना आप लोग ठीक है नेक्स्ट इज ईयर नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री नोमैडिक एलिफेंट एक एलिफेंट मैड हो गया था इंडिया के अंदर जिसको यहाँ पर ठीक करने की गोली कौन देखे गया मंगोलिया देखे गया उसके बाद क्या हो गया वो ठीक हो गया नेक्स्ट इज ईयर एवरी ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डे जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट भी कहा जाता है ये हर साल कब मनाया जाता है आंसर क्या होगा बहुत अच्छे करेक्ट आंसर होगा मैम 18 अप्रैल को मनाया जाता है ठीक है 18 अप्रैल को इसको मनाया जाता है लेकिन अगर आपसे पूछूं सत्रह अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर तो आंसर क्या होगा 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है या 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है अच्छा ये बताओ हेमोफीलिया डे जो है कब मनाया जाता है तो याद रखना 17 अप्रैल को आपको आपका हेमोफीलिया डे जो है वो मनाया जाता है लेपरोसी तो आपका जनवरी में मनाया जाता है ठीक है याद रखना इस बार का थीम क्या रहा है एक्सेस फॉर ऑल नेक्स्ट इज य शक्ति एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्या होगा आंसर शक्ति किसको शक्ति इंडिया को हमेशा से फ्रांस पर शक्ति अगर बोलेगा धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में तो इंडिया जो है उसका एक बंदा है धर्मा उसके गार्जियन ने बोला कि जा पान लेके आ ठीक है इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज सिंगापुर और इंडिया के बीच में सिम्बैक्स और जिमेक्स किसके बीच में इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स है शयोग काइजिन है उसके अलावा शिनयू मैत्री इंडिया और जापान के बीच में नेक्स्ट इज ईयर गरुड़ा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री आपको बताया था ना कि रूड हो के शक्ति का प्रदर्शन करता है इंडिया किसके साथ में इंडोनेशिया के साथ में अगर गरुड़ अलग हो और शक्ति अलग हो तो दोनों केसेस में आपका फ्रांस होता लेकिन अभी क्या होगा इंडोनेशिया नेक्स्ट इज ईयर गवर्नमेंट हैज सेट अ सेवन डे टाइम लाइन टू रिपोर्ट ओल्ड इन ऑन ई इन वॉय आई आर पी इन registration portal टेक्स असेस इज हैविंग एनुअल टर्न ओवर ऑफ हाउ मेनी करोड़ और मोर तो सौ करोड़ या उससे ज्यादा का अगर आपका एनुअल टर्न ओवर है तो यहाँ पर आपको सात दिन का टाइमलाइन दिया गया अपने ओल्ड इन्वॉइसिस को रिपोर्ट करने का नेक्स्ट इज याद वर्ड्स सत्यमय जयते ऑन स्टेट एम्बुलेंट टेक इन फ्रॉम विच उपनिषद कौन से उपनिषद से सत्यमय जयते जो हमको अपने राजकीय चिन्ह पर देखने को मिलता है पासपोर्ट वगैरह या जितने भी सरकारी ऑफिसेज होते हैं उनमें देखने को मिलता है ना तो आंसर क्या हो जाएगा मुंड का उपनिषद

गान नगर याव शांग फेस्टिवल इधर शिरुआ फेस्टिवल इधर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल इधर लेकिन त्रिपुरा जो है इसके अंदर क्या मनाया जाता है खर्ची पूजा एंड खेर पूजा ये त्रिपुरा में मनाए जाते हैं नेक्स्ट इज यार कर्मा इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कर्मा जो है इनमें से कौन सी स्टेट का डांस है तो आंसर क्या होगा झारखंड राजस्थान गुजरात या फिर महाराष्ट्र वेरी नाइस nice. जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जैसे ही क्लास में आते हो आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करो ठीक है क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारखंड झारखंड के अंदर इसको किया जाता है इसको कर्मा नाचिस भी कहा जाता है जो यहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा वाले रीजन के अंदर जो यहाँ के ट्राइबल ए, पीपल होते हैं वो यहाँ पर इसको कर्मा पूजा जहाँ पर ये कर्मा देवता की पूजा करते हैं और यहाँ पर ये डांस भी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट इज देयर वेज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन यूएस हाई कोर्ट तो आंसर क्या होगा नुसरत चौधरी सिविल राइट्स लॉयर हैं ये और पहली ऐसी मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है यूएस की हिस्ट्री में नेक्स्ट इज यर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए हेल्प अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम आंसर क्या होगा उत्तराखंड के अंदर नेक्स्ट इज यच अमंग द फॉलोइंग इज द डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इनमें से अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म कौन सा है देखो पोपर होगा तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश पोपेर डांस जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है भवाई डांस जो है ये गुजरात और राजस्थान के अंदर माना जाता है जर्नली सतरिया डांस क्या है ये क्लासिकल डांस है ऑफ असम एंड पूर्वी डांस जो है ये बड़े लेवल पर बिहार में परफॉर्म किया जाता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोपेर नेक्स्ट इज यार नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनाग्रेटेड एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ फाइव थाउजेंड यानी कि पाँच पाँच करोड़ रुपये के जो विकास कार्य हैं विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां किया है राजस्थान में किया है नेक्स्ट इज अर्पंथी इज अ डांस फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंथी इनमें से कौन सी स्टेट की डांस फॉर्म है उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ या फिर बिहार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम पंथी डांस फॉर्म छत्तीसगढ़ के अंदर परफॉर्म किया जाता है सतनामी कम्युनिटी जो होती है माघी पूर्णिमा के अवसर पर गुरु घासीदास के जयंती पर इसको सेलिब्रेट करती है नेक्स्ट इज या विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रेन डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी है बच्चों के लिए आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है ये यहाँ पर तीन स्कूल लखनऊ में है वहाँ से शुरू किया है नेक्स्ट इज या विच ऑफ़ द falling is not recognized as int इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर सितारवादन सितारवादन को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज यहाँ पर जो स्टेटस है वो नहीं दिया हुआ है इसके अलावा योगा 2016 में इसको दिया गया था कुंभ मेला छाओ डांस ये दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड है छाओ डांस को टू में अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कुंभ मेला वॉज गिवेन इंटेंजिबल कल्चरल हैरीटेज स्टेटस बाय यूनेस्को इन विच ईयर कुंभ मेला जर्नली कितने सालों में एक बार लगता है ग्यारह बारह तेरह या चौदह दो हजार सत्रह में इंक्लूड किया गया था इस तरह के मैराथन डेली ला सकते हैं क्या एस एस एग्जाम तक बिल्कुल ला सकते हैं लेकिन गाइस मेरे को चाहिए कि आप लोग कम से कम टू हंड्रेड प्लस लाइव काउंट तो मेंटेन करो। मतलब इससे पहले मैंने जब भी मैराथन लिए हैं एफसीआई के लिए लिए हैं किसी के लिए भी लिए हैं ऑलवेज 500 600 प्लस लाइव काउंट रहता था एस के स्टूडेंट्स इतने कम हैं या क्या रीज़न है मुझे नहीं पता कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एग्जाम में मैराथन सेशन में इतना कम लाइव काउंट जा रहा है जो कि बहुत ही खराब बात है ठीक है एस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना जो बेंच है वो बहुत लो सेट कर रहे हैं कुंभ मेला जो है बारह साल में एक बार लगता है ट्वेल्व ईयर्स में ठीक है याद रखना नेक्स्ट इज यर ऑयल मिनिस्ट्री पैनल हैज रिकमेंडेड द इंडियन गवर्नमेंट टू बैन द यूज ऑफ डीजल पावर व्हीलर व्हीकल बाय विच ईयर ऑयल मिनिस्ट्री पैनल ने भारतीय सरकार को बोला कि डीजल पर चलने वाले जो भी चार पहिया वाहन है इसको कौन से ईयर तक बैन कर देना है इसका यूसेज तो याद रखना ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक नेक्स्ट इज ईयर पुंग चोलम इज अ फोक डांस ऑफ विस स्टेट पुंग चोलम जो है इनमें से कौन से स्टेट का फोक डांस है तो आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा मैम मणिपुर मणिपुर का क्या है ये फोक डांस है जिसका नाम है पुंगचोला नेक्स्ट इज ये जम्मू कश्मीर के बाद में लिथियम रिजर्व जो है इनमें से कौन से स्टेट में हाल ही में देखने को मिले तो याद रखना राजस्थान के अंदर नेक्स्ट है आपका पैठनी या पैठानी महाराष्ट्र की एक कौन सी चीज़ है डांस को बोलते हैं पैठानी डांस टेक्सटाइल वीविंग एग्रीकल्चर या फिर क्लासिकल म्यूजिक आपने पठानी साड़ी के बारे में सुना

उद्घाटन किया गया है तो याद रखना किड्स वारांगल विच इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना नेक्स्ट इज या विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल थिएटर डांस फॉर्म ऑफ जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर पारंपरिक रंगमंच यहाँ पर जो नृत्य है वो कौन सा है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाथे तो अब मेरा क्वेश्चन आता है कि जात्रा डांस कहाँ पर होता होगा सुवांग डांस कहाँ पर है और माच डांस जो है ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है जात्रा डांस होगा तो मैम जात्रा डांस वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले एरिया में किया जाता है सुवांग होगा तो आंसर होगा मैम हरियाणा माच होगा तो आंसर होगा मैम मध्य प्रदेश और बांध पाथिर होगा है ना पत्थर स्टोन पेल्टिंग एक टाइम पर बहुत हुआ करता था बांध पाथिर उसको कहा जाता है ठीक है तो मतलब बांध बांधपाथिर से ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है नेक्स्ट इज वो एज मिन अवार्डेड द फर्स्ट प्रोफेसर कोथापल्ली जय अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय भारत जागृति क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य गोपी आचार्य गोपी द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड दिया गया है विच इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय भारत जागृति मिला किसको है आचार्य गोपी को नेक्स्ट इज इन विस स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इनमें से कौन से स्टेट में यहाँ पर हम्पी डांस फेस्टिवल जो है वो किया जाता है तो आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कर्नाटक ठीक है हम्पी फेस्टिवल विजय उत्सव भी कहा जाता है ये कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द स्टेट फर्स्ट फार्मा पार्क इस यूपी स्टेट का पहला फार्मा पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहाँ पर बना रही है तो आंसर क्या होगा मैम आंसर हो जाएगा इधर ललितपुर जगह जो है कहाँ पर है ललितपुर जगह बुंदेलखंड में लेकिन अगर पूछूँ यहाँ पर आप लोगों से कि मंकी फॉरेस्ट जो है वानर वन या मंकी फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं इनमें से कौन सी जगह पर तो याद रखना ये लखनऊ में होगा और ललितपुर फार्मा पार्क बनाया जा रहा है नेक्स्ट इज ईयर विच आर्ट फॉर्म ऑफ कर्नाटका कंबाइंस डांस म्यूजिक डायलॉग कॉस्ट्यूम मेकअप स्टेज टेक्निक्स टू क्रिएट यूनिक एक्सपीरियंस आंसर क्या होगा यक्षगना कलारी पयट्टू या फिर कथकली या फिर ओतम थुलल आपको बताया कि कलारी पैट्टू केरला का है कत्थक अली केरला का है यक्षगाना कर्नाटका का है ओतम थुलल का है ओतम थुलल का है ये भी केरला का है तो यानी कि ये तीनों के तीनों आपके केरला के एक लौता कौन सा है यहाँ पर कर्नाटका का नेक्स्ट इज भारत पे ग्रुप हैज रीब्रांडेड इट्स मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया टू विच नेम क्या होगा आंसर इन्होंने जिलियन के नाम से मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है नेक्स्ट इज या विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट और फोक आर्ट पेयर इज़ नॉट करेक्ट मधुबनी पेंटिंग बिहार में है थंजवुर आर्ट राजस्थान में है पत्ता चित्रा उड़ीसा में है और कल्चे कलमे जूथू ये आपका तमिलनाडु में है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कली कल में जूथू जो है ये आपका यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं है और ये बेसिकली आपका यहाँ पर काली मुथु जो है वो यहां पर डांस फॉर्म है तमिलनाडु का लेकिन थंजुगुर आर्ट जो है जरा मुझे ये बताना थंजुगुर आर्ट कहाँ पर फेमस है क्या ये राजस्थान में है बिल्कुल है किस नाम से तंजौर आर्ट के नाम से तंजौर और थंजवर आर्ट के नाम से तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ये एक ऐसा है जो करेक्ट नहीं है नहीं बी रॉन्ग नहीं है थंजवुर जगह बेशक से तमिलनाडु में है लेकिन राजस्थान के अंदर तंजौर आर्ट नाम से एक आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है ठीक है याद रहेगा पर एक बात बताओ मुझे ये जो तंजवुर आर्ट है ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है आपको देखा जाए टेक्निकली तो तंजूर पेंटिंग्स पेंटिंग्स या तंजूर आर्ट जो है या तंजवर आर्ट जो है बेसिकली है तो ये साउथ इंडिया की ना बेसिकली है तो ये भी साउथ इंडिया की है ना साउथ इंडिया की ये पेंटिंग है लेकिन ये राजस्थान के अंदर फेमस है राजस्थान में ये फॉलो की जाती है तो क्या मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ये राजस्थान की आर्ट है ये भी तो सही नहीं है ना ये भी तो सही नहीं है तो इस केस में ये दोनों ही यहाँ पर आंसर्स जो है वो क्या है यहाँ पर दोनों ही चीजें यहां पर गलत है बेसिकली देखा जाए क्योंकि इसने यही तो बोला है कि कौन सी स्टेट का कौन सा फोक आर्ट है अब राजस्थान का नहीं है ये दो राजस्थान में आपको तंजवूर पेंटिंग्स बड़ी फेमस है लेकिन राजस्थान की नहीं है कहाँ की है थंजवूर तमिलनाडु की है और जो कल में जुत्थू जो है कल में जुत्थू जैसा है ही नहीं काली मुत्थू डांस फॉर्म है तमिलनाडु का लेकिन कल में जुत्थू कोई डांस यहाँ पर है नहीं तो उस हिसाब से यहां पर बी गलत है और डी भी गलत है नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टीम क्या होगा आंसर अब बट उस नाम से है नहीं ना डांस फॉर्म नाम तो काली मूथु है इन्होंने नाम दिया हुआ है कल में थू चलो आंसर करो फटाफट फड़ से करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर नीरा टंडन नीरा टंडन जो है इनको अपॉइंट किया गया है एस डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टीम नेक्स्ट इज ईयर ऑफ विच इंडियन स्टेट गमोचा इज अ कल्चरल सिंबल गमोचा एक यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतीक है क्या होगा आंसर अभी रिसेंटली गमोचा को क्या मिला था जी आई टैग भी मिला था किससे रिलेटेड है मैम असम से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट इज ईयर जापान हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू हाउ मेनी इंडियन इंजीनियर्स अहेड ऑफ स्टार्टिंग वर्क ऑन द हाई स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसको बोला जाता है एम ए एच एस आर क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हजार

पत्तू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट क्या होगा करेक्ट आंसर लिशाल पत्तू जो है मैम ये नागालैंड का क्या है फेमस डांस फॉर्म है नागालैंड के अंदर आपका कुकी डांस लिशाल पत्तू मयूर डांस रेंगमा डांस ये सारे कहाँ पर होते हैं नागालैंड के अंदर नेक्स्ट इज विच इंडियन नेवी शिप हैज़ बीन डी कमीशन रिसेंटली आफ्टर अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ थर्टी सिक्स ईयर्स छत्तीस साल के लिए काम करने बाद सेवा में रहने के बाद में इसको सेवा निवृत्त किया गया तो आंसर क्या होगा इंडियन नेवल शिप मगर को नेक्स्ट इज दर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डांस फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डांगी डांगी इज अ फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर जबकि धूमल हाफिजा और राफ़ जो है ये सारे जम्मू कश्मीर के डांस हैं नेक्स्ट इज द अरब स्टेट हैज बिन रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ऑफ 2022 आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कर्नाटक कर्नाटक मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बोला गया है इस बार जो भी नेशनल मैनुफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे निकाला गया उसके अकॉर्डिंग मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश का फेमस फोक डांस है मटकी नेक्स्ट इज टेंथ लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज इनोग्रेटेड इन करेक्ट आंसर क्या होगा मेघालय और नाम क्या है इसका दौकी लैंड यहां पर पोर्ट बोला जाता है दौकी लैंड पोर्ट जो है ये क्या है ये टेंथ लैंड पोर्ट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैश्ड है डांस फॉर्म के साथ में माधवी मुदगल उड़ीसी नंदिनी सिंह कथक राधा रेडी कुचिपुड़ी स्वास्थ्य सेन भरतनाट्यम करेक्ट आंसर क्या होगा स्वास्थ्य सेन भरतनाट्यम से नहीं है स्वास्थ्य सेन जो है ये कौन सी है कथक डांसर है कथक की का क्लासिकल डांस है यूपी का नेक्स्ट इज यर वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एट्थ ऑफ जून हर साल आठ

बायोस्फेयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए आंसर क्या होगा जगदीश एस बाकर नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिसेबल अंडर द किशोर स्कीम ऑफ मुख्यमंत्री मुद्रा योजना तीन तरीके का होता है एक है शिशु एक है किशोर और एक है तरुण शिशु में पचास हज़ार तक का किशोर में पचास हज़ार से ऊपर और पांच लाख से नीचे और जो आपका तरुण है उसमें पांच लाख से लेके दस लाख तक का तो किशोर में मैक्सिमम कितना मिलता है मैम पांच लाख रुपए तक यहाँ पर दिया जाता है मिनिमम कितना है पचास हज़ार शिशु में पचास हज़ार तक तरुण में पांच से दस लाख तक और ये शुरू कब हुआ था ये आपका मुद्रा योजना आठ अप्रैल दो को नेक्स्ट इज एडगार्स रिंकेविक्स ये कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है कि लात मार के हटा दोगे नया प्रेसिडेंट बन गया है। आंसर क्या होगा लात से लातविया एरा गहरा से इडगार याद रखना है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा जीरो वन शीतल शर्मा मैम के नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना थर्टी एट पॉइंट फोर के सब्सक्राइबर्स हैं इधर ज्वाइन कर लेना सभी लोग नेक्स्ट इज यिशन अंतोदिया इज अ मिशन मोड़ प्रोजेक्ट एनवाइजेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री क्या होगा करेक्ट आंसर कौन सी मंत्रालय ने शुरू किया था मिशन अंतोदिया मिशन अंतोदिया बेसिकली गरीब लोगों के लिए चलाया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो यहाँ पर रूरल पुअर पीपल हैं उनके लिए नेक्स्ट इज यर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवड हाउ मच करोड़ रुपीज टू आंध्र प्रदेश फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट क्या होगा करेक्ट आंसर मैम ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की है किसको देने के लिए आंध्र प्रदेश को उसका पोलावरम प्रोजेक्ट पर। कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट इज दे आर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ अ न्यू इंस्टीट्यूशन बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू माइक्रो यूनिट्स यानी कि छोटा छोटा यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है है ना तो आंसर क्या हो जाएगा मैम पी मुद्रा योजना ये माइक्रो यूनिट यानी कि लघु वित्त से रिलेटेड है आठ अप्रैल दो को लॉन्च की गई थी तीन तरीके की माइक्रो यूनिट लोन देती है क्रेडिट देती है सेल के नए चेयरमैन एंड एमडी कौन है आंसर क्या होगा अमरेंदु प्रकाश अमरेंदु प्रकाश को बोला गया जरा स्टील के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूनिट असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन हिली स्टेट्स पहाड़ी एरियाज में जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आवास योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है वन पॉइंट थर्टी लाख रुपीज आर गिवेन ठीक है हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट 2022 तक था जिसको एक्सटेंड करके कर अभी कितना कर दिया है 2024 कर दिया है नेक्स्ट इज ईयर अल्जेरिया गुआना एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया सियरा लेने एंड स्लोवेनिया वर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ़ यू फॉर टू ईयर टर्म आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर किधर है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर तो अल्जीरिया आया है आया है कोरिया आया है और स्लोवेनिया आया है किन की जगह पर आया है अल्बेनिया ब्राजील गैबोन घाना और यू की जगह पर नेक्स्ट इज पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ये कह रहे जितने भी यहाँ पर ना माइग्रेंट वर्कर होते हैं प्रवासी श्रमिक जो होते हैं उनको हम सशक्त बनाएंगे तो इसको लॉन्च कब किया गया था जून 2020 में देखा होगा आपने कोविड के टाइम पर जून में यहाँ पर ये माइग्रेंट वर्कर्स छोड़ छोड़ के शहर अपने गांव भाग गए थे हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द न्यू न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया था ना मैंने वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल हेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर की जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. तो चार सालों के लिए नेक्स्ट इज तेईस से द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म कौन रहेंगे अल्मंडोस। अल्मंडोस आव यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट के लिए यानी कि शहरी विकास के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी देखो उज्ज्वला तो आपकी एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है उजाला मैम ये आपके रिलेटेड है एल बल्ब प्रोवाइड करने से बचा यहां पर अमृत करेक्ट उदय क्या होगा पर अम्रुत. अम्रुत का पूरा मतलब है अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको नरेंद्र मोदी जी ने री लॉन्च किया था कब जून दो में नेक्स्ट इज हैज बिकम द फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्स टू रिसीव नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स गाइज जितने भी लोग क्लास के अंदर अभी प्रेजेंट हैं ना फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को करेक्ट आंसर क्या होगा एम्स नागपुर यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ दी हैं नेक्स्ट इज़ ईयर इन विच ईयर वाज़ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नोन एज पीएम आशा लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर क्या होगा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द ईयर 2018 पीएम आशा जो है इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट इज हियर विच कंट्री हैज़ बिगन कंडक्टेड द इनिशियल टेस्ट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी दैट कुड वन डे सर्व एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा करेक्ट आंसर इधर वेरी नाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसराइल ठीक है तो इज़राइल यहाँ पर ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी निकालने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेक्स्ट इज या ऑफ़ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ बाई डेवलपिंग स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कपैसिटी ऑफ द रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज आंसर क्या होगा ग्रामीण युवाओं जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए कौशल और उत्पादक क्षमता विकसित करने के लिए इनमें से क्या लॉन्च किया है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यहाँ पर लॉन्च क्या गया है नेक्स्ट इज देयर वे स्टेट गवर्नमेंट है सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी टू तो रिव्यू द 1972 रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगा करेक्ट आंसर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम यहाँ पर मेघालय मेघालय जो है उस गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है 1972 का रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको वापस से रिव्यू करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज़ ईयर नमामि गंगे प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इनमें से कौन से ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में इसको लॉन्च किया गया था गंगा नदी जो है उसका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और कंजर्वेशन रेजुवेनेशन के लिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द टेली ऑफ थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसमें से किसने टॉप किया है गाइस जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा जीरो वन शीतल शर्मा मैम के नाम से तो आपको क्या करना है यहाँ पर ज्वाइन करना है ठीक है और यहाँ पर थर्टी एट पॉइंट फोर के से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो इधर ज्वाइन कर लेना ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो है इसने यहाँ पर क्या किया है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को टॉप किया है अगर बोलेगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने यहाँ पर मेडल्स जीते टोटल सिक्सटी नाइन जीते जिसमें ट्वेंटी सिक्स गोल्ड थे इसके बाद में कौन सी यहां पर आई ये आई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये भी पंजाब की ट्वेंटी फोर गोल्ड के साथ में ये सेकेंड नंबर पर रही और थर्ड थी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की सिक्सटीन गोल्ड के साथ में ये थर्ड नंबर पर आई नेक्स्ट इज यह प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन इज टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज़ देखो पहले ये कितना था पहले तो था 2022 अभी फिलहाल में कितना है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैम अब 2024 हो गया है ठीक अभी इनका जो यहां पर डेट है वो कितना हो गया है 2024 हो गया सबसे पहली बार लॉन्च कब हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ जून टू थाउजेंड फिफ्टीन में नेक्स्ट इज यार हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड आंसर क्या होगा बी के शिवानी ब्रह्म कुमार कुमारी शि, शिवानी जो है बी के शिवानी ने यहाँ पर बुक निकाली है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड नाम से ठीक है और इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में मिला था नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंगयर्स पी एम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो फॉर्मली लॉन्च क्या होगा आंसर टू थाउजेंड नाइनटीन या फिर सेवेंटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम टू के अंदर पी किसान स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया नेक्स्ट इज या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन फिफ्थ ऑफ जून वट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पांच जून को मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका क्या था थीम था नेक्स्ट इज यार फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाले गए स्मॉलर स्टेट्स के अंदर किस स्टेट ने टॉप किया आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा गोवा स्मॉलर स्टेट्स में गोवा टॉप करता है अगर बोलेगा लार्जेस्ट स्टेट में किसने टॉप किया केरला ने टॉप किया और अगर बोलेगा कि यहाँ पर यूटीज में कौन टॉप पे रहा तो जम्मू कश्मीर ठीक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज द गोल ऑफ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम क्या होगा करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जनधन योजना या फिर मुद्रा बहुत ही क्लियर है ड्रॉप मतलब बूंद बूंद अधिक फसल किससे रिलेटेड होगा कृषि सिंचाई योजना से इसको लॉन्च किया किसने जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मा वेलफेयर डिपार्टमेंट है नेक्स्ट इज यर डेनिस फ्रांसिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जर्नल जनरल असेंबली ये कौन सी कंट्री से है तो आंसर क्या होगा मैम त्रिनेंदाद एंड तोबागो त्रिने एंड तोबागो का सिटीजन है डैनिस फ्रेंसिस जो यहाँ पर बना है फर्स्ट ऐसा इधर प्रेजिडेंट जिसने जिसको बनाया गया है प्रेजिडेंट ऑफ यू एन जर्नल असेंबली नेक्स्ट इज ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च अटल पेंशन योजना कौन से ईयर में अटल पेंशन योजना इन्होंने लॉन्च किया आंसर क्या हो जाएगा इन द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन नौ मई दो हज़ार पंद्रह को सिर्फ अटल पेंशन योजना ही नहीं जीवन ज्योति बीमा योजना तुथ और सुरक्षा बीमा योजना भी लॉन्च हुए थे जिन्होंने अभी यहाँ पर कितने साल पूरे किए आपने एट किए ठीक है जिसमें यहां पर क्या किया जाता है कि मैम इधर मंथली पेंशन यह एक हजार रुपए से लेके पांच हजार रुपए तक का मंथली पेंशन इधर दिया जाता जा है अटल पेंशन योजना में नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव द थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर बीएसएनएल विद अ टोटल आउटले ऑफ हाउ मच रुपीज़ क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा एटी नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ देने की बात की गई है और बहुत सारा यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल भी इंक्रीज कर दिया है डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अब ये दो लाख दस करोड़ रुपए कर दिया है नेक्स्ट इज़ ये है विच आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स वॉज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाई इंप्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाई इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया यहाँ पर ये एक जुलाई 2015 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट इज या गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च माहिर टू क्विकली आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन पावर सेक्टर मतलब जो आपका बिजली क्षेत्र है ना वहाँ पर तो माहिर का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है माहिर इज़ बेसिकली मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च नेक्स्ट इज य वेन वॉज द जल जीवन मिशन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द गोल ऑफ हर घर जल इसका मिशन जो है ये कौन से ईयर तक चल रहा है देखो इसको लॉन्च कब किया गया था लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2019 और इसका भी जो टारगेट ईयर है हर घर जल वाला ये टारगेट कब तक रखा गया है ट्वेंटी तक इसका टारगेट रखा गया है

इन महाराष्ट्र इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज टेकिंग प्लेस आंसर क्या होगा यहाँ पर, हो जाएगा के अंदर, और यहाँ पर जो है, उनको मॉडल विलेजेस बनाया जा रहा है इससे पहले पहले एक रह चुकी है कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है पाली गांव में और ये पूरा गाँव ही यहाँ पर क्या बन रहा है थाने के अंदर भिवान्डी तालुका जो है उसके अंदर जो गाँव है उसको कार्बन न्यूट्रल गाँव बनाया जा रहा है Next year in which year was the target Olympic podium scheme TOPS formulated by Ministry of Youth Affairs and Sports. करेक्ट आंसर क्या होगा इन द ईयर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था जहां पर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट हर महीने पचास हजार रुपए का दिया जाएगा उनकी पर्सनल ट्रेनिंग से लेके सब कुछ देखा जाएगा थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट एवरीवन नेक्स्ट इज एयर विद स्टेट पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च अ मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन नेम्ड ओ पी क्लीन ऑपरेशन क्लीन नाम से निकाला गया है जिससे यहाँ पर जो भी ड्रग्स और ड्रग सप्लायर्स है उनको साफ किया जाएगा स्मगलिंग रोका जाएगा पंजाब पुलिस ने ओपी क्लीन नाम से शुरू किया वेन फ्लैगशिप स्कीम ऑफ स्किल इंडिया मिशन लॉन्च इन इंडिया क्या होगा आंसर स्किल इंडिया मिशन सबसे पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया बाय स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रनियोरशिप मिनिस्ट्री जिसको इंप्लीमेंट कराए एन एस डी सी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेक्स्ट इस थाईलैंड ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वेमेन सिंगल टाइटल क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा यहां पर आंसे आंसर यंग साउथ कोरिया से हैं और इन्होंने यहां पर थाईलैंड ओपन जो है वो जीत लिया है किसको हरा के चाइना की ही बिंग जियाओ को हरा के नेक्स्ट है आपका अमरू स्कीम वॉज लॉन्च अंडर द सैनिटेशन प्रोग्राम इन 2015 थाउजेंड आपको इसका फुल फॉर्म बताना है अभी जिस मैंने बताया था मैम सबसे पहले ही अटल शब्द आता है, है ना तो आंसर क्या हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट इज दिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना उनकी बैठक हुई उसकी मेजबानी करी साउथ अफ्रीका ने नेक्स्ट कह रहा है इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ अडोप्शन ऑफ विलेजेस बाय पार्लियामेंट्रियंस यानी कि जो आपके यहाँ पर संसद के जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पर क्या शुरू किया उन्होंने एस ए जी वाई के तहत ये गाँव को ना अडॉप्ट करते हैं तो आपको बताना है जी वाई के अंदर ए का मतलब क्या है तो याद रखना है इसको बोला जाता है संसद आदर्श ग्राम योजना ए जी वाई जिसमें ए का मतलब है आदर्श बाय विच ईयर प्लस ये भी यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि इसको लॉन्च किस लिए किया गया था ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके हर एक सांसद अपना एक गाँव पकड़ लें उसको बेटर करें बाय विच ईयर द सिटी विल गेट द स्मार्ट सिटी टैग अंडर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आंसर क्या होगा आंसर होगा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक ये सिटी जो है इसको स्मार्ट सिटी टैग मिल जाएगा श्रीनगर को नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्कीम इज़ एम्ड एट हेल्पिंग एसलर एट द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज पी एम वानी पी वानी इज बेसिकली फॉर पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड हॉटस्पॉट नेक्स्ट इज यू हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लेम वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर मुथा मिजा सेल्वी ये फर्स्ट वीमेन बनी है फ्रॉम तमिलनाडु जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वीक माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है नेक्स्ट इज ईयर मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन परमिसेबल अंडर अटल पेंशन योजना में एक हज़ार मिनिमम है और मैक्सिमम है पाँच हज़ार ठीक है नेक्स्ट इज ईयर जनार्दन प्रसाद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद को ही इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया और जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर खुद के इधर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में वट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना आपको पता होगा कि 18 साल से ले 40 साल तक की एज तक आप क्या कर सकते हो अटल पेंशन योजना में इनरोल कर सकते हो और 60 साल बाद आपको पेंशन मिलने लग जाती है तो ये कह रहे हैं कम से कम 20 साल तो दो हमें यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट तो करो इस स्कीम में नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोमोटिंग पोर्ट लेट डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ बीन नेम्ड अवॉर्ड पोर्ट लाइट मतलब जितने भी बंदरगाह हैं तो उससे रिलेटेड सागरमा इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवार्ड इज द कंट्रीज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार ये जो है ये किसने दिया है येलो स्टार वाला बेसिकली हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका सूरी नेम का जो किसको दिया गया द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेजिडेंट को नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फॉर एक्सीडेंटल डेथ अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितना एक्सीडेंटल कवर मिलता है दो लाख रुपए का मिलता है एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो भी और पार्शियल डिसेबिलिटी टोटल डिसेबिलिटी होगी परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो भी दो लाख रुपए मिलेगा परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो एक लाख रुपए मिलेगा नेक्स्ट इज य प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स आंसर क्या होगा तीन साल मैम इसको कंप्लीट हो गए क्योंकि जून 2020 में ये लॉन्च हुई थी नेक्स्ट है आपका डैश इज एन सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट क्या होगा आंसर आंसर हो जाएगा मैम एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करवाता है नेक्स्ट इज हु सेट अ अस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई अचीविंग 200 हंड्रेड इंटरनेशनल कैप्स फॉर पोर्तुगल आंसर क्या होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेक्स्ट इज हु सेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आंसर करो क्या होगा हु सेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई यही थी ये किसने बोला था आंसर करो वी डी सावरकर बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा वी डी सावरकर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट अर्बन ट्वेंटी मेरल समिट ऑन सेवन टू एट जुलाई को यहाँ पर मेरल समिट अर्बन ट्वेंटी की कहाँ पर हुई अहमदाबाद के अंदर हुई नेक्स्ट आपका मिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार इनमें से कौन सा स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार क्या होगा आंसर अब सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कितनी टोटल ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं मैम चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं एक है अरुणाचल प्रदेश एक है नागालैंड एक है मिजोरम और एक कौन सी है मणिपुर ठीक है अब क्या इनमें से अरुणाचल प्रदेश यस नागालैंड यस मणिपुर येस क्या असम शेयर करती है नो ठीक है नेक्स्ट इज वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया का रैंक क्या रहा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में तो याद रखना चालीसवा रैंक रहा ठीक है पिछले साल फोर्टी थर्ड था टॉप किसने किया डेनमार्क ने एंड देन आयरलैंड और तीसरे पर स्विट्जरलैंड टोटल सिक्सटी फोर कंट्रीज़ में हमारा रैंक फोर्टी नेक्स्ट इज नाथुला पास इज सिचुएट इन विच ऑफ़ द फॉइंग रेंज इनमें से कौन सी रेंज के अंदर नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज विंध्यास काराकोरम वेस्टर्न घाट या फिर हिमालयास तो याद रखना ये हिमालयास की रेंज में नाथुला पास पड़ता है जो किसको कनेक्ट करता है यहां पर असम सॉरी सिक्किम को कनेक्ट करता है किसके साथ में चाइना वाला जो तिब्बत है ना उसके साथ में नेक्स्ट देखो क्रैश कोर्स ले सकते हो। बोर्ड पर आपको सिर्फ जाकर शीतल कोड अप्लाई करना है कभी भी ऑलिबोर्ड पर कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी परचेज करते हो, always use शीतल डे हर साल कब मनाया जाता है तो आंसर क्या होगा सत्ताईस जून को मनाया जाता है लेकिन अगर आपसे पूछू भारत के अंदर उनतीस जून को कौन सा डे मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट इज यर, न्यू मैंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम कर्नाटक में पड़ता है ये नेक्स्ट इज यर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट द हिस्टोरिक खर्ची पूजा हैज सेलिब्रेटेड रिसेंटली आंसर क्या होगा यहाँ पर त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इज ईयर जल जीवन मिशन अचीव सिग्निफिकेंट माइल स्टोन आपसे पूछ रहा है ये लॉन्च कब हुआ था जेस्ट अभी हमने पढ़ा टू थाउजेंड नाइनटीन में लॉन्च हुआ टारगेट रखा गया है दो हजार चौबीस तक हर घर जल नेक्स्ट इज ईयर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप फार्मासूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी क्या होगा आंसर आंसर हो जाएगा मैम लखनऊ के अंदर लेकिन अगर आपसे पूछू फार्मा पार्क कहाँ बना रहे थे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना रहे थे ठीक है तो ये दो अलग अलग चीजें हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च होगा तो लखनऊ होगा फार्मा पार्क होगा तो ललितपुर होगा नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेकेंड एडिशन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आई टी हार्डवेयर विद हाउ मच रुपीज़ क्या होगा करेक्ट आंसर सत्रह हज़ार करोड़ रुपए नेक्स्ट इज ईयर यू जी सी रिसेंटली लॉन्च टू यू जी सी वेबसाइट उत्साह एंड पी ओ पी पोर्टल्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ एस इन उत्साह एंड पी इन पी ओ पी रिस्पेक्टिवली करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर उत्साह का मतलब है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पी ओ पी का मतलब क्या है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नेक्स्ट इज ईयर हु हैज रिसेंटली लॉन्च द संचार साथी पोर्टल ड्यूरिंग अ फंक्शन हेल्ड इन न्यू डेली करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव नेक्स्ट इज ईयर विद स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक सर्वे डिलीवरीट एंड अशर इन ट्रांसपेरेंसी इन द सेक्टर करेक्ट आंसर क्या होगा आंध्र प्रदेश अपने उधर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम लेके आने वाला है ई चिट्स नाम से नेक्स्ट इज ईयर एट्थ ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन दिल्ली किसने इनोग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने आठवें नंबर की ऑल इंडिया पेंशन

नई दिल्ली के अंदर नेक्स्ट है आपका गजराज कॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड आ ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन विस्टेड करेक्ट आंसर क्या होगा असम के अंदर जल राहत एक्सरसाइज करवाई गई बाय इंडियन आर्मी के गजराज कॉप्स ने नेक्स्ट इज ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग एज वोन द ला लीगा फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019 2019 के बाद में पहली बार ला लीगा टाइटल किसने जीता बार्सिलोना ने नेक्स्ट इज ईयर चार करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं नरेंद्र मोदी ने किधर लॉन्च किए तो आंसर याद रखना गुजरात गुजरात में चार राजस्थान में पाँच ठीक है नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल ऑर्गेनाइज जी ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ एन एफ टीज ए आई एंड मेटावर्स ऑन थर्टीन एंड फोर्टीन जुलाई क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गुरुग्राम हरियाणा नेक्स्ट इज यर विच कंट्री पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च अ ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन टू कब रोड लेन वायलेशन आंसर क्या हो जाएगा यहां पर यू की जो शारजा पुलिस है वो स्टे इन योर लेन कैंपेन ने लॉन्च ने किया नेक्स्ट कौन से बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया हंड्रेड डे हंड्रेड

फॉर फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस ऑफ प्री वेरीफाइड ट्रैवलर्स ये अभी पायलट बेसिस एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कितने एयरपोर्ट में लॉन्च किया जाएगा इस साल दो में एक तो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा कौन सा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में अब यहाँ पर आपको पता होगा कि यू के अंदर एक यहाँ पर रोबोट भी लॉन्च किया गया है बेटर इन के लिए क्विक इन के लिए उसका नाम क्या है नेक्स्ट इज यर द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप विल बी हेल्ड ऑन ट्वेंटी टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टार्टअप्स इन द मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर आंसर क्या होगा मुंबई बिल्कुल सही उस रोबोट का नाम क्या है ये रोबोट का सारा नेक्स्ट इज यार लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ फ्री डेडिकेटेड रीडिंग लॉन्च सेटअप बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपसे पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में टाइम मैगजीन के लेटेस्ट कवर पर अभी इनमें से कौन सी एक्ट्रेस यहाँ पर फीचर की गई तो आंसर क्या होगा दीपिका पादुकोण कार्तिक बाल गोपालन एम बने हैं इनमें से किसके आंसर क्या होगा यहाँ पर प्यूमा इंडिया के अगर के कीर्ति निवासन बोलेगा तो टी सी एस और कार्तिक बाल गोपालन बोलेगा तो प्यूमा इंडिया नेक्स्ट इज ईयर इनमें से कौन से एक्टर को यहाँ पर चूज किया गया टू इंस्पायर इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद इंटलेक्चुअल डिसेबिलिटी आंसर क्या होगा आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट इज ईयर फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसको मिलता है जयंत नरलेकर को ठीक है नेक्स्ट इज नेम इन आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्या होगा करेक्ट आंसर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे यशस्वी जयसवाल नेक्स्ट इज यार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विस कंट्री फ्रॉम ट्वेंटी सेवन टू थर्टी एट जून क्या होगा आंसर साउथ कोरिया नेक्स्ट इज सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा आयुष्मान असम स्कीम अंडर द मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इन प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया तो तीन सौ से ज्यादा हॉस्पिटल्स इधर हैं ठीक है ठीके? और वहां पर पंद्रह सौ ज्यादा हेल्थ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएंगी पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लेट द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड टू द नेशन मल्टीपल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वर्थ फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ रुपीज़ ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर क्या होगा नई दिल्ली के अंदर तो साइंटिफिक प्रोजेक्ट कितने पाँच हज़ार आठ सौ करोड़ के कहाँ पर नई दिल्ली के अंदर नेक्स्ट इज वो हैज़ लॉन्च था हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस इन न्यू दिल्ली क्या होगा आंसर सर्बानंद सोनोवाल ग्रीन पोर्ट हरित सागर नाम से ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस इन्होंने क्या किया है इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है नेक्स्ट इज य स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसीज टू प्रोवाइड फुट पास एंड साइकिल ट्रैक्स इन ऑल फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन इन्होंने बोला है फुटपाथ देना पड़ेगा पंजाब में जितने भी नए यहाँ पर कुछ एक्सटेंड हो रहा है कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसके अंदर बैंक क्लिनिक नाम से यहाँ पर ग्रीवियंसिस को एड्रेस करने के लिए किसने लॉन्च किया है आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन नेक्स्ट इज यर हुज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लासन एंड टर्बो आंसर क्या होगा एस एन सुब्रमण्यम अच्छा ये बताओ और क्वेश्चंस कराऊँ तुम लोगों को या आज का सेशन यहीं पर एंड कर दूँ बाकी तुम लोग कर लोगे कवर पीडीएफ से बाकी क्वेश्चंस पीडीएफ में दे दूँ यस और नो बताओ फटाफट भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फियर फ्री स्टेट बनाने के लिए किसको दिया गया है ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ को ठीक है छः सात और कर आ रही हूँ मैं क्वेश्चन उसके बाद में होमवर्क दे दूंगी बाकी आप लोग पीडीएफ से कर लेना ठीक है हु हैज़ बॉर्न द ब्रॉन्ज मेडल इन वेमेन टेन मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आंसर क्या होगा रिदम सांगवान को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वेमेन की टेन मीटर एयर पिस्टल के अंदर नेक्स्ट इज ईयर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द इंडियन मेट्रोपोलिटिस मेट्रोपोलिस डी कंस्ट्रक्टिव इंडियाज अर्बन स्पेसिस आंसर क्या होगा फिरोज वरुण गांधी को इन्होंने यहाँ पर ये बुक लिखा है नेक्स्ट इज ईयर विच कंपनी रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आई सी सी आंसर क्या होगा यहाँ पर मास्टर कार्ड नेक्स्ट इज ईयर हुज बिन नेम द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में आंसर होगा यहाँ पर मेसी इसके अलावा स्पोर्ट्स वेमन ऑफ द ईयर रही शैली एंड फ्रॉम जमाइका एथलेटिक्स हैं नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोज एल्करेज फ्राम टेनिस वर्ल्ड कम बैक ईयर ऑफ द ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्चियन एरिकसन टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना की मेन्स फुटबॉल टीम ठीक है नेक्स्ट है आपका प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ट हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस (C.A.P.F.), स्टेट और यूटी पुलिस ड्यूरिंग डिफेंस इन्वेस्टिचर सो न्यू दिल्ली तो आंसर क्या होगा टोटल थर्टी सेवन गैलेंट्री अवार्ड्स दिए यहाँ पर ट्वेंटी नाइन शौर्य चक्र थे और आठ कीर्ति चक्र थे नेक्स्ट इज ईयर हुज बीन नेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडिया लार्जेस्ट एन बी एफ सी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आंसर क्या होगा परमिंदर चोपड़ा नेक्स्ट इज ईयर आठ हजार करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किए आंसर होगा यहां पर उड़ीसा देखो 5,500 सौ करोड़ के तो राजस्थान में चार हजार चार सौ करोड़ के गुजरात में और आठ हजार करोड़ के यहां पर आपके उड़ीसा में 5,800 हजार आठ सौ करोड़ रुपए के साइंटिफिक प्रोजेक्ट नई दिल्ली में और आठ हजार करोड़ के उड़ीसा में नेक्स्ट इज हैव स्टेट सीएम हैज़ इनाग्रेटेड वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिजेस दैट स्पैन फाइव सेवेंटी मीटर इन लेंथ एंड फो पॉइंट टू मीटर इन विथ आंसर क्या होगा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्कॉक ब्रिजेस में से एक तमिलनाडु में बनाया गया नेक्स इज एस सिटी हैजिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एक्सेप्ट लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि ये अपने इधर लोकलाइज करेंगे अपने लेवल पर इसको अचीव करेंगे दैट इज भोपाल मध्य प्रदेश नेक्स इज ए फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड नेम्ड पैटागोनियन साइप्रस ऑफिशियली रेगिग्नाइज एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट इट इज लोके आंसर? आंसर चिली. चिली स की जो आपका फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट में हुआ रांची झारखंड के बिरसा मुंडा स्टेडियम में गोल्ड मेडल इनमें से किसने जीता तो आंसर क्या होगा ज्योति या हंड्रेड मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल नेक्स्ट इज यर गोल्डन ईयर द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गोल्ड गुड लॉन्ग लाइफ ये किसने लिखा रस्किन बॉन्ड ने नेक्स्ट इज यर हु लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एट ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट आंसर क्या होगा हमेशा ई पी एफ ओ एस एस से जी ए जी एस क्रैश कोर्स ले सकते हो शीतल कोड अप्लाई करना टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो ई पी एफ ओ एस एस से टू थाउजेंड प्लस एम सी क्यू प्रैक्टिस बैच ले सकते हो जी ए रेवल्यूशन बच बैंकिंग जी एर रेवल्यूशन बैच आप ले सकते हो अगर आपको बैंकिंग एग्जाम्स की टॉप लेवल तैयारी करनी है और जी ए डबल डोज कोर्स जो है आई बी पी एस क्लर्क एंड आर आर वी के लिए तैयारी के लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट इज आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवेल्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री आंसर क्या होगा जापान के अंदर नेक्स्ट ये आपका यूनियन

Which edition of? Next is Indo Indonesia. बायोलिट्रल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति ट्वेंटी थ्री कंक्लूडेड इन साउथ चाइना सी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम फोर्थ इस बार इंडो इंडोनेशिया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होता है गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में नेक्स्ट इज यार वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन किसने जीता यहाँ पर आंसर क्या होगा आंसर होगा मैम इधर जीता है एलेना रैबनिकीना ने एलेना रैबिकीना जो है ये कजाकिस्तान के इन्होंने यूक्रेन की अलहीना को हरा के इटालियन ओपन टाइटल जीता है नेक्स्ट इज ईयर अ ब्रॉन्ज मेडल एट गोल्डन ग्रैंड प्री एथलेटिक मीट इन वुमेन लॉन्ग जम्प इन योकोहामा जापान क्या होगा करेक्ट आंसर शैली सिंह इंडिया की एथलीट है ब्रॉन्ज मेडल जीता है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में नेक्स्ट इज ईयर हुए सरपास द सेकेंड इंडियन बैटर आफ्टर विराट कोहली टू सरपास इलेवन थाउजेंड इन 2020 क्रिकेट आंसर क्या हो जाएगा रोहित शर्मा नेक्स्ट इज यार विच बिकम द फर्स्ट डे टू प्रोवाइड गवर्नमेंट फंडेड एयर ट्रैवल फिलग्रमेज यानी कि तीर्थ यात्रा कैसी सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है जो तीर्थ यात्रा करवा रहा है लेकिन हवाई यात्रा का पूरा खर्चा खुद निकाल रहा है ये मैं दे रही हूँ आपका होमवर्क जिसका आपको जो होमवर्क है जो आंसर है वो सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है कम से कम मुझे यहाँ पर थर्टी से लेके फोर्टी स्टूडेंट्स का होमवर्क चाहिए ही चाहिए प्लस आपको ई पी एफ ओ एस एस ए के लिए और कौन सी मैराथन चाहिए ये आप मुझे बता सकते हैं हम लोग बारह बजे कंडक्ट करेंगे और कल आपका वीकली करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं अगस्त मंथ का प्लस याद रखना कि आपका जो मंडे है उसको हम कंप्लीट जी के मैराथन कंप्लीट जी के मैराथन मतलब आपके हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकनॉमिक्स साइंस इन सभी के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट जीके मैराथन के अंदर देखने को मिलेंगे बारह बजे या ग्यारह ग्यारह बजे शुरू करा लेती हूँ ना मंडे को ग्यारह बजे हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट जी के मैराथन करेंगे ई पी एफ ओ एस एस सी एग्जाम के लिए एंड गाइज कोशिश करना कि उस दिन एटलीस्ट आप लोग फाइव हंड्रेड प्लस लाइव काउंट मेंटेन कर लो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करना फिलहाल के लिए बस इतना ही जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑले बोर्ड पर कभी भी कुछ परचेस करते हो ऑलवेज यू शीतल को टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट थैंक यू सो मच एवरीवन बाय टेन एंड